भारत भ्रमण की यात्रा आज बिहार से, यानी संपूर्ण बिहार का ये मास्टर वीडियो है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करूंगा मैं बिहार के, पहले मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये मानचित्र देख रहे हैं, ये बिहार का ही मानचित्र है। ठीक है, बिहार के 38 जिलों को यहाँ पर मैंने दिखाने का प्रयास किया है। 38 के 38 जिले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बिहार का भूगोल कैसा है, मैदानी क्षेत्र है, नदियाँ हैं यहाँ पर, है ना, तो मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र हम लोग बिहार का यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ पे पठारी क्षेत्र भी है तो वो भी देखेंगे। ठीक है, वैसे पठार तो पूरा झारखंड के साथ चला गया, लेकिन फिर भी वो भी जानेंगे। तो बिहार के बारे में पहले हम बिहार का इतिहास देखेंगे, बिहार में कैसे बिहार बिहार बना, बिहार का नाम क्यों बिहार पड़ा। इसके बाद जो है बिहार का पूरा इतिहास प्राचीन काल में, जो कि बहुत रिच कल्चर रहा, शुरुआत ही भारत के इतिहास की बिहार से होती है ना, तो प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल, ये जानने का प्रयास करेंगे। बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार की सांस्कृतिक परिदृश्य को देखेंगे, कैसा कल्चर है, कैसे गीत है वहाँ पे, लोक नृत्य क्या है, लोकगीत क्या है, मेले कौन कौन से बिहार के हैं, या फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण जितने भी अवस्थल हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, एक पर्यटक के दृष्टिकोण से कि आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से इंडस्ट्री है, कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, लोकेटेड है बिहार की, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बिहार के आर्थिक परिदृश्य को भी समझना है कि इकोनॉमी की दृष्टि से बिहार कैसा है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के काफ़ी समय से मांग चल रही है, तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा और क्यों मिलना चाहिए, इन सभी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। बिहार क्यों पिछड़ापन का शिकार हो गया, क्यों गरीबी आ गई, क्या रीज़न हो गए, वो भी चर्चा करेंगे, और कैसे इसके पास से निकलेगा इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद जो है हमारी चर्चा बिहार में ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो अभी हाल फिलहाल में सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ, जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है, उसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद जो है प्रसिद्ध पर्सनालिटीज़ जो बिहार की रहीं, पूरी लिस्टिंग है पर्सनालिटीज़ की। ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बिहार ही नहीं वरन भारत के इतिहास में भी अपना नाम छोड़ा, अपनी पहचान छोड़ी। ठीक है, तो उनके बारे में भी डिटेल नॉलेज आपको मिलेगी, यानी एक जगह पर आपको समग्रता मिलने जा रही है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, वही इत्मीनान से बैठो, मुझे सुनो, अपनी कानों को खुला रखो, बस अलर्ट रहो, जो चीज़ें मैं कहूँ उनको अपने दिमाग तक जाने दो, बाकी का काम मेरा है, मैं आपके दिमाग को स्वस्थ रखूँगा और संतुलित रखूँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं भारत के बिहार के भूगोल से। ठीक है, ये बिहार का मानचित्र है, यहाँ पर 38 जिले हैं, एक बार सभी ज़िलों के नाम ले लेता हूँ, है ना, ज़रूरी है, और उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं ये भी ज़रूरी है। तो बिहार देखो, आमतौर पर जब भी आप कभी किसी चीज़ को पढ़ें तो दिशाओं के आधार पर पढ़ें, जैसे कि ये सेंटर वाला क्षेत्र है, मान लेते हैं ये पूरा बिहार का ये जो सेंटर वाला क्षेत्र है, तो इसके उत्तर में उत्तरी बिहार है, नीचे दक्षिणी बिहार है, इधर पश्चिमी बिहार है और इधर पूर्वी बिहार है। तो ये इधर देखेंगे जो ये आपका उत्तरी बिहार है, यहाँ पे नेपाल बॉर्डर, ऊपर जितने भी राज्य हैं इसके ज़िले हैं वो सारे नेपाल बॉर्डर से लगते हैं, यानी कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये पूरी बेल्ट उत्तर प्रदेश से लगने वाले ज़िले हैं सारे, जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। नीचे वाला सेक्शन दक्षिण का है, जो कि झारखंड से जुड़ाव रखता है, तो जितने नीचे के ज़िले हैं सारे झारखंड से, और पूरब का क्षेत्र पश्चिम बंगाल से लगता है, तो इधर के ज़िले पश्चिम बंगाल से लगते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं, चंपारण का नाम सबने सुना है, महात्मा गांधी 1917 का, महात्मा गांधी का पहला जो एक तरीके से आंदोलन प्रारंभ किया उन्होंने इस दुनिया पर आए, आंदोलन की दुनिया पर आए, चंपारण से ही शुरुआत की थी उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर चंपारण को दो ज़िले हैं यहाँ पर, एक है पूर्वी चंपारण और दूसरा है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय बेतिया में है, एक जगह है बेतिया। देखो जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों के मुख्यालय होते हैं, कुछ के मुख्यालय अलग स्थान पर अवस्थित होते हैं, कुछ के मुख्यालय उसी ज़िले में अवस्थित होते हैं। तो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय आपका बेतिया में है। इसके बाद पूर्वी चंपारण, मोतिहारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, पूर्वी चंपारण का जो आपका मुख्यालय है मोतिहारी में है। ये सारा आपसे जो मैं अभी नाम लूँगा ये सारे नेपाल के साथ जुड़ने वाले ज़िले हैं। ठीक है, पहला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी का नाम सुना होगा आपने,
सीतामढ़ी जो है इसका मुख्यालय सीतामढ़ी में ही है, सीतामढ़ी का मुख्यालय सीतामढ़ी में ही है। इससे पहले एक पड़ता है शिवहर, शिवहर जो है नेपाल बॉर्डर से टच नहीं करता है, लैंड लॉक जिला है, इससे यहाँ पर सीतामढ़ी ने इसको घेर रखा है, इधर से पूर्वी चंपारण और इधर से सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी जो है नेपाल बॉर्डर से साझा करता है, सीतामढ़ी का मुख्यालय सीतामढ़ी। मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है ना, अभी चर्चा करेंगे मधुबनी पेंटिंग को। तो मधुबनी पेंटिंग ये आपका जो है मधुबनी ही एक जिला है, यहाँ पे आपका ये इसका मुख्यालय भी मधुबनी है। सुपौल, इसका भी मुख्यालय, सुपौल का भी मुख्यालय आपका सुपौल ही है। अररिया, इसका मुख्यालय भी अररिया में ही है। किशनगंज, इसका मुख्यालय किशनगंज में, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के बेल्ट के साथ जुड़े हुए जिले हैं इनको एक बार देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, नेपाल से भी करता है, उत्तर प्रदेश से भी करता है। मुख्यालय मैंने बेतिया बताया। गोपालगंज, गोपालगंज का मुख्यालय गोपालगंज ही है। सिवान, सिवान का मुख्यालय सिवानी है, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। सिवान के बाद आपका पड़ता है सारण, सारण, सारण का मुख्यालय छपरा है, छपरा जिला नहीं है, छपरा सारण का मुख्यालय है, ठीक है। यहीं से आपके लालू यादव जी है ना, पूरा बेल्ट है ये, सारण छपरा। इसके बाद जो है इसके जस्ट नीचे पड़ता है भोजपुर, भोजपुर का मुख्यालय है आरा, आरा का नाम सुना होगा है ना, तो भोजपुर का मुख्यालय आरा में है। फिर बक्सर पड़ता है, बक्सर का युद्ध हुआ था ना, है ना, तो बक्सर, बक्सर का मुख्यालय बक्सर। कैमूर, कैमूर का मुख्यालय भभुआ में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये जो है आपका कंप्लीट जो सेक्शन है, और यहाँ पर पड़ता है रोहतास, रोहतास का मुख्यालय सासाराम, सासाराम का भी नाम सुना होगा आपने, शेर शाह सूरी का मकबरा है ना, तो रोहतास सासाराम, ठीक है। अभी इनकी सबकी हम लोग चर्चा करेंगे कंप्लीट। यहाँ पर मैंने आपको ये पूरी बेल्ट बताई नेपाल के साथ जो जुड़ी है। इसके बाद ये आपका पश्चिम बंगाल का बेल्ट पड़ता है, यहाँ पर है पूर्णिया, पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया ही है। कटिहार है, कटिहार का मुख्यालय भी कटिहार ही है। भागलपुर, भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर ही है, ठीक है। इसके बाद मुंगेर है, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर ही है। आपने देखा था एक था पर्सन था मोहम्मद बिन कासिम, ये कौन था, भारत में पहला आक्रमणकारी है ना। इसके बाद एक पर्सन का नाम था मीर कासिम, नाम सुना होगा, बक्सर के युद्ध के टाइम पीरियड पे इसने राजधानी परिवर्तन की थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी लेकर आया था, है ना। तो कलकत्ता की राजधानी कुछ समय के लिए मुंगेर रही है, अभी चर्चा करेंगे, सारा जब इतिहास देखेंगे तो समझेंगे इसको, ठीक है। मुंगेर है यहाँ पर, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर ही है। बांका पड़ता है, बांका, बांका की मुख्यालय बांका में है। अभी समय जमुई का नाम बहुत फेमस है, डेली न्यूज़पेपर में जमुई का नाम आ जाता है, ठीक है, किस लिए फेमस है उसकी बात नहीं करेंगे। तो जमुई का मुख्यालय जमुई में है, ठीक है, यहीं पर जमुई पड़ता है। यहीं पर आपको पड़ता है लखीसराय, जमुई के उत्तर में है, लखीसराय का मुख्यालय लखीसराय। उसके जस्ट ऊपर एक सीरियल आता है बेगूसराय, है ना, बेगूसराय का मुख्यालय बेगूसराय में है। यहाँ पर समस्तीपुर पड़ता है, समस्तीपुर का मुख्यालय समस्तीपुर। उसी के पश्चिम में पूरब में पड़ता है सहरसा, सहरसा का मुख्यालय सहरसा में ही है। यहीं पर है आपका मधेपुरा, मधेपुरा का मुख्यालय मधेपुरा में है। यहाँ पे दरभंगा पड़ता है। देखो ये बेल्ट जो है ना बहुत इंटेलेक्चुअल बेल्ट है, बिहार की बहुत इंटेलेक्चुअल बेल्ट है दरभंगा। यहाँ पर इसका भी मुख्यालय दरभंगा का दरभंगा ही है। वैशाली, वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर है, वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर है। और यहाँ पर पड़ता है पटना, पटना का मुख्यालय पटना में ही है, ठीक है। यहाँ पर है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर का मुख्यालय मुजफ्फरपुर ही है। तो एक बार जो एक बार फिर से हम लोग बिहार के देख लेते हैं। औरंगाबाद यहाँ पे पड़ता है, औरंगाबाद का मुख्यालय औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, यहाँ पे गया है, गया का मुख्यालय गया, नवादा, ठीक है, नवादा का मुख्यालय नवादा। शेखपुरा पड़ता है, शेखपुरा का मुख्यालय शेखपुरा। तो एक बार मैं बहुत रैपिड फायर एक बार फिर से देता हूँ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ पे भागलपुर है, यहाँ पे मुंगेर है, यहाँ पे बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सारण है, सिवान है, गोपालगंज है। इसके बाद यहाँ पे शिवहर पड़ता है, लैंडलॉक जिला है। इसके बाद मुजफ्फरपुर है, दरभंगा, ये सब बिल्कुल सेंट्रल वाला बीच वाला इलाका है। वैशाली, समस्तीपुरी, सहरसा, मधेपुरा, एक और है खगड़िया,
खगड़िया का मुख्यालय भी खगड़िया में ही है। बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, यहाँ पे नालंदा है, नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ है, नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ है। इसके बाद नवादा है, जमुई है, गया है, ठीक है। तो लगभग लगभग सभी के नाम हमने यहाँ पर ले लिए, ठीक है, सभी के नाम ले लिए। अब हम जो है और जो है डिटेल से आगे देखेंगे, सबको एक बार समझते जाएंगे। देखो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, बिहार में ऐसा माना जाता था कि इस जगह पर बौद्ध मठ है, बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में बौद्ध मठों या बौद्ध बिहारों के कारण, बौद्ध में एक कॉन्सेप्ट है ना बिहार और चैत्य का, है ना, चैत्य और बिहार का एक कॉन्सेप्ट है। चैत्य क्या है, पूजा स्थल होते हैं बौद्धिज्म में, और बिहार क्या होते हैं, रहने का निवास है, रहने का निवास है। तो ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता है, इस कारण से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा, इस कारण से इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। तो यहाँ पर सबसे आपको सबको पता है कि बौद्ध धर्म की धरती है बिहार, बौद्ध धर्म शुरू यहीं से हुआ, महात्मा बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, है ना, और सबसे ज़्यादा यदि वो रहे तो मगध साम्राज्य में ही रहे, बिंबसार, अजातशत्रु इनके समकालीन थे, ठीक है। तो उनका पूरा सेंट्रलिज ये केंद्र है। तो बिहार का नाम क्यों पड़ा, बौद्ध मठों के कारण से, बौद्ध मठों के कारण से बिहार का नाम बिहार पड़ा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो एक बार बिहार का मैं इतिहास आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि बिहार का इतिहास क्या था। देखो सबसे पहले बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसकी चर्चा हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण क्या है, यजुर्वेद का एक ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, यजुर्वेद से जुड़ाव रखता है। तो शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले बिहार की भौगोलिक चर्चा हुई है, ठीक है। और इस क्षेत्र का नामकरण सर्वप्रथम हमें 13वीं शताब्दी में मिलता है, तबकात नासरी एक बुक है मिनाजु सिराज की, तबकात नाकरी एक बुक है जिसमें बिहार शब्द का नाम हमें मिलता है। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, 1580 में अकबर ने, 1580 में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बिहार का पूरा क्षेत्र था ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। अभी पूरा वो इतिहास हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं बिहार की अब तक की कहानी, झारखंड जब अलग हुआ तब तक की कहानी, ठीक है। कब बिहार का जो है बंगाल से कब पृथक किया गया, कब उड़ीसा से पृथक किया, वो कहानी देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो 1556 में जो है, सॉरी 1576 में अकबर ने इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तत्पश्चात बंगाल का अंग बन गया है। बंगाल पहले क्या होता था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक ही थे, असम का भी कुछ क्षेत्र उसमें मिलता था। पहले जो बंगाल था बहुत बड़ा था, पहले का बंगाल बहुत बड़ा था, उसमें पूरा बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था, असम का भी कुछ क्षेत्र आता था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था ना, वो बंगाल विभाजन में आपका बिहार भी सम्मिलित था, उड़ीसा भी सम्मिलित था, है ना। तो ये जो है अकबर का, जब अकबर ने इसको अपने साम्राज्य में मिलाया तो ये बंगाल का अंग बन गया। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य डिक्लाइन होने लगा, और मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन हो जाने के कारण से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन हो जाने के कारण से ये बंगाल के नवाबों के हाथ में आ गया। कहाँ पर आ गया, बंगाल के नवाब मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, इनका नाम सुना है ना, इन लोगों के हाथ में आ गया जैसे मुगल सत्ता कमज़ोर हुई, ठीक है। फिर आगे चलकर शाह आलम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, शाह आलम ने बंगाल की जो नवाबी है, दीवानी का अधिकार, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये अंग्रेज़ों को सौंप दिया। दीवानी यानी राजस्व उगाही का काम अंग्रेज़ करेंगे, ये शाह आलम ने उनको दे दिया, ठीक है। लेकिन आगे चल करके अभी इसकी चर्चा हम करते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन ने किया, 1906 में आपने नाम सुना होगा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है बिहार को पृथक राज्य के रूप में लाने के लिए। तो 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा एवं मोहन नारायण ने अपनी पुस्तक में पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग की। इन्होंने कहा कि बिहार खुद एक पृथक प्रांत होना चाहिए, जैसे कि आपने देखा ना अभी तेलंगाना की मांग आज़ादी के बाद शुरू हुई, फिर तेलंगाना बन गया, वैसे ही बंगाल से पृथक करके बिहार बने, बंगाल से पृथक करके बिहार बने, इसकी डिमांड सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रारंभ कर दी। 1908 में पटना में आयोजित बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में फखरुद्दीन द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया, ठीक है। पृथक करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया,
है ना, यानी डिमांड बहुत जोर शोर से चलना शुरू हो गई। 1908 में ये बात हुई। फिर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। हसन इमाम इसके पहले अध्यक्ष बने और ये डिमांड और तेज हुई। ठीक है, हसन इमाम इसके पहले अध्यक्ष बने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। 12 दिसंबर 1911, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली दरबार हुआ था इस समय। ठीक है, और दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द तो जरूर हुआ, लेकिन बंगाल विभाजन के रद्द होने के साथ साथ बंगाल को और तोड़ा गया, बिहार और उड़ीसा को अलग करने की बात हो गई। तो पहले बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत थे। 1911 में जो आपके 1911 में दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करके एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई, और 22 मार्च 1912 को अलग बिहार उड़ीसा प्रदेश प्रांत का गठन किया गया। डेट कौन सी है? 22 मार्च 1912। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार क्या करता है, अपना स्थापना दिवस मनाता है। यही है उनका प्रमुख जो इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में, इसे किस रूप में मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी 22 मार्च 2018 106वां बिहार स्थापना दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, तो ये 2012 में हुआ था, बिहार 2012 में बन गया था। ठीक है, लेकिन अभी भी उड़ीसा के साथ जुड़ा हुआ है, अभी भी उड़ीसा के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया और 1936 में बिहार को उड़ीसा से पृथक कर दिया गया। ठीक है, 1947 में दो जगह हैं, एक है सरखवा और दूसरा है सरायकेला, इन दोनों को उड़ीसा को हस्तगत कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर इसको बिहार को वापस लौटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। कब आया था? 1956 में आया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा पुरुलिया को और पूर्णिया को क्या किया गया, इनको पश्चिम बंगाल से हस्तांतरित कर दिया गया कुछ क्षेत्र को। किसको? पहले ये जो आपका इधर वाला क्षेत्र पूर्णिया और पुरुलिया, ये पूरा हिस्सा पहले पश्चिम बंगाल में कुछ आता था, इसको दे दिया गया बिहार प्रांत को। ठीक है, और बिहार को एक स्टेट के रूप में, जो आज आप नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा आज का नहीं है, ये नक्शा बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन 15 कौन सी डेट है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को पृथक करके ये जो वर्तमान मैप है ये बना है 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, इससे झारखंड को पृथक कर दिया गया। तो 1956 में जब बिहार था उसके साथ झारखंड भी जुड़ाव रखता था, लेकिन 15 नवंबर को ये घटना हुई कि बिहार को झारखंड से अलग कर दिया, जो पठारी क्षेत्र है उसको पृथक कर दिया गया। ठीक है, तो ये छोटी मोटी कहानी है बिहार की। अभी इसकी बड़ी कहानी बची है, बिहार का जो मूल सांस्कृतिक परिदृश्य है वो अभी हम देखेंगे, ऐतिहासिक परिदृश्य और सांस्कृतिक परिदृश्य। उससे पहले बिहार के बारे में 4-6 बातें ये हो जाएं। मैंने बताया कि बिहार एक पहले क्या था, बौद्ध मठों का क्षेत्र था, है ना। बौद्ध मठों का क्षेत्र होने के कारण से, बिहारों की अधिकता होने के कारण से इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारी कुछ बिहार की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें जानना होता है। तो सबसे पहली चीज, बिहार आपका बंगाल से पृथक करने का दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी, मैंने आपको बताया 12 दिसंबर 1911 को। बिहार सहित उड़ीसा के गठन की विधिवत घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई। 22 मार्च की डेट याद रखिएगा, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च 2018 को 106वां, ठीक है, बिहार स्थापना दिवस मनाया गया था। बिहार ने प्रांत के रूप में कार्य शुरू किया गया 1 अप्रैल 1912 से। बिहार एक प्रांत के रूप में प्रारंभ हो गया 1 अप्रैल 1912 से। अब इसकी राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा किस बेल्ट में खड़े हैं हम लोग? हिंदी बेल्ट में खड़े हैं, तो राजकीय भाषा इसकी हिंदी है। इसकी द्वितीयक राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। ठीक है, बाकी बहुत सारी भाषाएं चलती हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी उनको वो स्थान नहीं मिल पाया। भोजपुरी चलती है, मगही चलती है, मैथिली चलती है, है ना। तो बाकी की भाषाओं को भी वो स्थान बिहार में नहीं मिला, ये भी एक सोचने की बात है। तो यहाँ पर बिहार की जो राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीयक भाषा उर्दू है। राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पक्षी गौरैया है। पशु बैल है, पुष्प गेंदा का है। ठीक है, सबसे फेमस पुष्प है गेंदा का पुष्प, बिहार ने अपना रखा है। तो राजकीय पक्षी गौरैया, पशु बैल और पुष्प है गेंदा, और वृक्ष कौन सा है?
पीपल, पीपल के वृक्ष को। अच्छा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। पीपल नहीं है, पीपल बिहार का है, ठीक है, बरगद। क्यों पीपल रखने का कारण? बोध वृक्ष है ना, महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ का चिन्ह बोधि वृक्ष को ही चिन्ह रखा गया है। बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का चिन्ह होता है ना, है ना, वैसे ही यहाँ पर बोधि वृक्ष है। यहाँ पर एक मछली पाई जाती है, राष्ट्रीय मछली घोषित किया गया है मांगुर को, ठीक है, मांगुर राष्ट्रीय मछली, और महापर्व के रूप में छठ को मनाया जाता है, ठीक है। तो एक महापर्व, बिहार का महापर्व है छठ, ठीक है। आकृति इसकी कैसी लग रही है? जैसे उत्तर प्रदेश की आकृति सिंहवत है, शेर की तरह दिखाई देता है उत्तर प्रदेश, वैसे ही बिहार आयताकार आकृति है, ठीक है, बिहार की आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल बिहार का टोटल कितना है? क्षेत्रफल है बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद कर लीजिए 94,163, 94,163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बिहार फैला हुआ है, जहाँ पर 9 प्रमंडल हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल होते हैं, बिहार में उन्हें प्रमंडल कहा जाता है, यहाँ पर 9 है, जस्ट आधे, यूपी से जस्ट हाफ, है ना। तो चूंकि छोटा भी है तो इसमें कितना है, प्रमंडल है 9, जिला है 38, लेटेस्ट अभी आंकड़ा यही है, 38 जिले हैं। राज्यपाल लालजी टंडन है, है ना, और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है, ठीक है। तो अभी जो मौजूदा राज्यपाल हैं वो हैं लालजी टंडन। विधानसभा अध्यक्ष अभी हैं विजय कुमार चौधरी, और बिहार के महाधिवक्ता हैं ललित किशोर, ठीक है। तो करंट की चीज़ें हैं कुछ, अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं यहाँ पर विजय कुमार चौधरी, और बिहार के महाधिवक्ता हैं ललित किशोर, लोकायुक्त बिहार में लोकायुक्त हैं श्याम किशोर शर्मा, ठीक है। लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष कौन से हैं? बीपीएससी के अध्यक्ष हैं शिशिर सिन्हा, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ा सा करंट अफेयर्स है, आपको पता होना चाहिए कि कौन विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक है। तो विजय कुमार चौधरी हैं, महाधिवक्ता ललित किशोर हैं, लोकायुक्त श्याम किशोर शर्मा हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं शिशिर सिन्हा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में टोटल संख्या बिहार को मिली हुई है 40, 40 सीटें हैं बिहार में, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 है ना, बिहार में जस्ट आधा, कितना? 40 सीटें, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा की सीटें 16 हैं, उत्तर प्रदेश की 31 हैं और बिहार की हैं 16 सीटें, ठीक है। इसके बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, 243 संख्या है विधानसभा सदस्यों की बिहार की। उत्तर प्रदेश की 404 है, ठीक है, 403 प्लस 1, एक है एंग्लो इंडियन सदस्य को चुना जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद भी है बिहार में। आपको मैंने बताया था पॉलिटी में कि जो भी राज्य हैं उन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, कहीं कहीं पर एक सदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका जहां पर भी है वहां पर विधानसभा और विधान परिषद है, जहां पर एक सदनीय विधायिका वहां केवल विधानसभा है, ठीक है। तो बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, यहां पर विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है, कितनी है? 75 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, लोकसभा में एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए कुछ सीटों का रिजर्वेशन रखा गया है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटें 6 हैं, टोटल कितनी है? 6 सीटें, याद रखना है, ठीक है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 40 हैं, विधानसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं, लोकसभा की सीटें 40 हैं, आरक्षित सीटें 6 हैं, रिजर्वेशन वहाँ भी है, और विधानसभा की 243 टोटल संख्या, तो वहाँ पर 40 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, ठीक है। तो विधानसभा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 40 हैं। बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा, ठीक है, मैंने आपको बताया था, अभी आगे और चर्चा होगी बिहार के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, पुरापाषाण काल के कहाँ से साक्ष्य मिले, नवपाषाण काल के कहाँ से मिले, ठीक है, मध्य पाषाण काल के कहाँ से मिले, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। तो मोटा मोटी ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि बिहार बना कब, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 की क्या भूमिका है बिहार को बनाने में, 22 मार्च 1912 की क्या भूमिका है, 1936 में बिहार के साथ क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, 1956 में क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ, ठीक है, ये डेटें आपको बिहार के साथ जुड़ी हुई हैं चूँकि जानना ज़रूरी है, ठीक है। और बिहार प्रांत ने कार्य करना 1 अप्रैल 1912 को प्रारंभ कर दिया था, ये भी डेट पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हमारी थोड़ा सा बिहार के भूगोल को देख लेते हैं। देखो आप देख रहे होगे खूब नदियां हैं, है ना, नदियां ही नदियां हैं, गंगा मुख्य नदी के रूप में बिहार से गुजरती है,
गंगा मुख्य नदी के रूप में बिहार से गुजरती है। गंगा के किनारे बहुत सारे नगर हैं। गंगा के किनारे आपका मोकामा पड़ता है, बक्सर पड़ता है, पटना पड़ता है, भागलपुर पड़ता है, मुंगेर पड़ता है, ये सब जो है आपके पटना गंगा के किनारे बसे शहर हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है, गंडक नदी है ये। यहाँ पर जो मैंने दिखाने का प्रयास किया है एक नदी, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये कौन सी नदी है किसी को पता है कौन सी नदी है? हाँ, कौन सी नदी है बताइए। अब बिहार के लोग भी है ना संशय में है। और कौन है बिहार पीसीएस? राहुल जी कहाँ हैं? अच्छा, जिनको आना चाहिए वो लोग भी नहीं आए। देखो यहाँ पे एक मुख्य नदी, ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये है बागमती नदी। यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है बागमती नदी। और यहाँ पर एक नदी जो जुड़ी हुई है, इसका नाम है बूढ़ी गंडक। ये बूढ़ी गंडक नदी है, ठीक है। ये है बागमती, यहाँ पर है बूढ़ी गंडक, उसके पहले है गंडक नदी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी नदियाँ आप एक साथ देख रहे हैं। कोसी नदी, कोसी नदी देखिए कितनी धाराएं हैं, एक धारा इधर से आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है, छोटी छोटी नदी। एक कमला नदी है जो आकर के इससे जुड़ जाती है, ठीक है। तो बिहार में बहुत छोटी छोटी कुछ बड़ी नदियाँ, एक महानंदा नदी है यहाँ पे, ठीक है। महानंदा ट्रेन भी चलती है, तो महानंदा नदी यहाँ पर है, इसी से कनकई नदी एक छोटी सी जुड़ती है। नीचे से बहुत सारी नदियाँ हैं, यहाँ पर देखिए कर्मनाशा नदी है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, दरगा नदी है, फल्गु नदी है, पैमार नदी है, धेदा नदी है, किउल नदी है, बदुआ नदी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी नदियाँ जो है बिहार में बहती हैं। तो बिहार में इन नदियों के द्वारा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से मिट्टी को काट काट के इस क्षेत्र को भर दिया गया और इसको एक मैदानी क्षेत्र दे दिया गया। 90% बिहार मैदान ही है, जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जो कि जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। तो 90% बिहार जो है क्या है, मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे मैदान है पूरा, बहुत बढ़िया मैदान है, ठीक है। अभी देखते हैं पूरा, ये जो बेतिया का मैदान है, यहाँ पर आएंगे मोतिहारी का मैदान है, सीतामढ़ी का मैदान है, मधुबनी का मैदान है ना, ये अररिया का मैदान है। इधर जाएंगे तो उत्तरी बिहार का मैदान है, नीचे दक्षिणी बिहार का मैदान है, यहाँ पर निम्न सोन का मैदान है, इधर जो है आपका सारण का मैदान है। तो पूरा मैदानी मैदान है, ठीक। बिहार 90% मैदान है। पठारी क्षेत्र झारखंड के साथ चला गया, लेकिन थोड़ा बहुत क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलता है। एक कैमूर का पठार है यहाँ पर, और कैमूर की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं यहाँ पे। ये जो आपका मगध वाला क्षेत्र है, यहाँ पे राजगीर, पहले राजगीर राजधानी होती थी मगध की, तो यहाँ पे राजगीर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अभी देखेंगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हो गया, क्या कारण था कि मगध ही उस समय का सेंट्रल पॉइंट बना, मगध ही इतना शक्तिशाली बन के उभरा, उसमें ये बहुत बड़ा योगदान है राजगीर पहाड़ियों का, ठीक है। यहाँ पे नवादा है, नवादा उच्च भूमि वाला क्षेत्र भी है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो आप देखेंगे बिहार में मैदानी मैदान है। तो मैदान है तो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है तो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ना, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा है। कुछ बलुई मिट्टी भी पाई जाती है कुछ क्षेत्रों में, जैसे ये पूरा ये हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र है, हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र है, तो यहाँ की मिट्टी थोड़ा सा पर्वतीय मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, लेकिन बाकी की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। देखेंगे कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो एक बार जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य नदी है गंगा, निकलती कहाँ से है गंगा? गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, एक विस्तृत यात्रा करती हुई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आती है, और उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी, ठीक है। बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में प्रवेश करने के बाद ये राजधानी पटना जो है यहीं पर अवस्थित है, गंगा नदी के किनारे ही है। राजधानी मोकामा है, पहले बक्सर है, बक्सर पड़ता है, फिर मोकामा पड़ता है, फिर इसके बाद पटना है, पटना के बाद जो है फिर आपका बढ़ती बढ़ते 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 भागलपुर से बाहर इंटर हो जाती है, भागलपुर मुंगेर से, ठीक है। तो मुख्य है आपकी गंगा, जितनी नदियाँ हैं आप देख रहे हो गंगा में आकर के मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नदी है, ये आप देख रहे हैं पूरा हिमालय क्षेत्र है, यदि आप देखेंगे तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, नेपाल पूरा हिमालयी क्षेत्र है ही। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा जो श्रेणी है, अन्नपूर्णा और मनांग घाट, कसांग घाट, ये सब तिब्बत और नेपाल वाले क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है गंडक, ठीक है। गंडक नदी निकलती है, और गंडक नदी आ करके यहाँ पर पहलेजा घाट पड़ता है, पहलेजा घाट में जा करके मिल जाती है गंगा से, ठीक है। इसके बाद इससे पहले एक नदी है, ये उत्तर प्रदेश, ये निकलती है आपकी नेपाल, ये भी आपकी महाभारत श्रेणी है, वहाँ से निकलती है, इसका नाम है घाघरा, इसको ही सरयू नदी भी कहा जाता है। घाघरा, कर्नाली, सरयू, ये आकर के रिविलगंज के पास गंगा से मिल जाती है,
तो पहली नदी घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, ठीक है। गंडक के बाद यहाँ पर एक नदी है बूढ़ी गंडक है, लेकिन बूढ़ी गंडक मुख्य नदी नहीं है क्योंकि ये बागमती में जाके आगे मिल जाती है। बागमती मुख्य नदी है, बागमती आपकी हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। यहाँ पर बागमती रिवर है, हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। देखो जो हिमालय है तीन भागों में अवस्थित है, जब मैं आप लोगों को हिमालय पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल से बताऊंगा। पहला हिमालय आपका है सबसे ऊपर, एक तो देखो एक क्या होता है कि उसके पार वाला हिमालय, यहाँ से हम चढ़ेंगे ठीक है, तो हिमालय की तीन श्रेणियाँ मिलेंगी, उसके पार का इलाका उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, हिमालय के उस पार का क्षेत्र, तिब्बत वाला क्षेत्र जितना भी है वहाँ भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है ना, वहाँ पर कुछ अलग पर्वत श्रेणियाँ, लेकिन मेन है आपका हिमालय वाला, उसको बोलते हैं बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। बृहद हिमालय के बाद नेक्स्ट आपका जो हिमालय आता है उसका क्या नाम है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद आता है आपका क्या नाम है, मध्य हिमालय, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, लघु हिमालय। लघु हिमालय को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे उसको जम्मू कश्मीर में हम बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में उसका नाम उस श्रेणी का पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। वही जब आ करके हिमाचल प्रदेश में आती है धौलधार श्रेणी हो जाती है, वही जब नेपाल में इंटर करती है उसका नाम महाभारत श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी हो जाता है, ठीक है। तो महाभारत श्रेणी से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, आपकी जो ये नदी है बागमती नदी, ये महाभारत श्रेणी से निकलती है और खोरम घाट के पास गंगा नदी में मिल जाती है खगड़िया में, ठीक है, खगड़िया और खोरम घाट के पास ये आकर के मिल जाती है। इसके बाद एक नदी यहाँ पर है बहुत छोटी छोटी नदी, एक तो कमला नदी है, कमला नदी भी आपकी हिमालय के महाभारत श्रेणी से ही मिलती है, निकलती है और आकर के बाद में कोसी में ही मिल जाती है, ठीक है। एक नदी है बलान नदी, ये भी कोसी से ही जुड़ाव रखती है। कोसी जो है आपकी ये नेपाल के सप्तकोसी वाले स्थान से निकलती है, एक जगह है सप्तकोशिक, सप्तकोशिकी स्थान से निकलती है और सप्तकोशिकी स्थान से निकलने के बाद बिहार में प्रवेश करती है और ये कोढ़ा गोला के पास, काढ़ा गोला के पास, ये पूर्णिया में पड़ता है, काढ़ा गोला के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो प्रमुख नदियाँ यहाँ पर थी आपकी, पहले घाघरा, सरयू नदी इसको बोलते हैं, करनाली नदी भी बोलते हैं, छपरा इसी के किनारे है, ठीक है। घाघरा, घाघरा के बाद यहाँ पे गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद बागमती, बागमती के बाद कमला, कमला के बाद बलान, बलान के बाद कोसी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपकी महानंदा नदी, ये भी हिमालय से निकलती है। तो ये जो है ये गंगा के बाएं तट पे मिलने वाली नदियाँ हैं सारी, गंगा का ये बाया तट है इधर का तट, ठीक है, क्योंकि गंगा ऐसे बह रही है तो ऊपर वाला हिस्सा बाया का, नीचे वाला दाया का, ठीक है। दाएं तट पर मिलने वाली पहली नदी है कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और चौसा नामक स्थान पर, चौसा का नाम सुना होगा, चौसा की लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच, शेरशाह सूरी और हिमायू के बीच में, ठीक है। तो चौसा नामक स्थान पर कर्मनाशा गंगा से मिल जाती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है आपकी सोन नदी, ठीक है, और सोन नदी ये आपकी मिलती है दानापुर, दानापुर पटना के पास ही वहीं पे अवस्थित है, दानापुर में जो है ये आकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक है। वहीं पुनपुन, पुनपुन आपकी ये भी मध्य प्रदेश का पठारी भाग है, यहाँ पर नीचे मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र भी है, इधर झारखंड है, इधर मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश का पठारी भाग वाला क्षेत्र है वहाँ से पुनपुन निकलती है और फतुहा के पास जो है ये भी गंगा से मिल जाती है। पुनपुन में एक नदी मिलती है जिसका नाम है दरघा, ठीक है, पुनपुन की ही सहायक नदी दरघा है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक नदी है उत्तर छोटा नागपुर पठार से निकलती है झारखंड से, इसका नाम है फल्गु नदी, है ना, गया फल्गु नदी के किनारे ही है, गया आपका फल्गु नदी किनारे है, ठीक है, फल्गु नदी। इसके बाद उसके बाद एक छोटी सी नदी है पैमार, उसके बाद है धेंधा नदी और यहीं पर कीउल नदी है और बदुआ नदी है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, इनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं क्षेत्र, ठीक है। तो ये बिहार की हो गई नदियाँ, बिहार की नदियों ने इसको मैदान में कन्वर्ट किया है, तो गंगा के उत्तर वाला क्षेत्र उत्तरी बिहार, यानी यहाँ पे जो मैदान होगा उत्तरी बिहार का मैदान होगा, गंगा के दक्षिण वाला क्षेत्र दक्षिणी बिहार और यहाँ का मैदानी क्षेत्र दक्षिणी बिहार का मैदान कहलाता है। और जितने भी जिले हैं सभी जिलों को मैदान के नाम पे आप कुछ भी जानो, इसको बेतिया का मैदान कहते हैं, चंपारण का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिमी चंपारण का बेतिया, तो बेतिया का मैदान, मोतिहारी का मैदान, सीतामढ़ी का मैदान, मधुमनी का मैदान, अररिया का मैदान, आपकी इच्छा, हम अपने गांव का मैदान भी बोल सकते हैं, है ना, तो जो बोलना हो जिसको जो बोल सकता है, सारे मैदान है यहाँ पे। सारण है, सारण डिस्ट्रिक्ट इसका मैदान, सारण का मैदान, ठीक है, निम्न सोन का मैदान, ठीक है, तो वही है उस क्षेत्र के नाम से ही है। यहाँ पे एक पठारी क्षेत्र है आपका, इसका नाम है आपका कैमूर का पठार, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और नवादा है, नवादा उच्च भूमि वाला।
क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कुछ इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से देखें तो बिहार में पूरा मैदान ही है, ज़्यादा विविधता नहीं देखने को मिलती, उच्चावच कम है, उच्चावच बिहार में कम है। ठीक है, जो उच्चावच हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में कभी विंध्याचल है, ठीक है, कहीं पर पठारी क्षेत्र है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र भी है, ठीक है, वो चीज़ बिहार में देखने को नहीं मिलती। यूपी का भी यही हाल है, उत्तर प्रदेश भी पूरा मैदानी मैदान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, ये आपकी थोड़ी सी जानकारी हो गई इसके बारे में। यदि मैं ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से बताऊं तो जो अक्षांशीय अवस्थिति है 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश बिहार अवस्थित है। देशांतरी विस्तार की बात करूं तो बिहार का देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, मैंने अक्षांशीय और देशांतरी भारत का बताया था ना, भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है, वैसे बिहार का भी है। ठीक, उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में पूरब में पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये इसके आसपास की अवस्थिति है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बिहार का एक बार इतिहास समझते हैं, बहुत ही रिच है इतिहास। भारत का इतिहास बिहार के इतिहास से शुरू होता है। देखो, जब भी कभी भी इतिहास पढ़ो, किसी भी क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश का पढ़ो, बिहार का पढ़ो, महाराष्ट्र का पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करो। बिगिनिंग में वहाँ पे ये चीज़ थी कि नहीं थी, जैसे बिल्कुल बिगिनिंग से चलते हैं। सबसे पहली बात, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के साक्ष्य बिहार में मिले हैं। बिहार का जो मुंगेर वाला क्षेत्र है ये पुरापाषाण काल से जुड़ाव रखता है। पुरापाषाण काल स्टोन एज मैंने बताया था ना, देखो इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिस काल में मानव सभ्यता ने लिखना नहीं सीखा था। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिस काल में मानव सभ्यता ने लिखना नहीं सीखा था, यानी कि उस समय के जितने भी हमें इतिहास के बारे में यदि मैं जानने को जाऊं तो कैसे पता चलेगा, जो चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, कुछ खुदाई से चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, जो अवशेष प्राप्त हो जाएंगे उन्हीं के आधार पर मैं इतिहास का लेखन करूँगा। मैं आपके घर जाऊँगा, आपके घर में कोई लिखित चिट्ठी ना मिले, ठीक है, कुछ लिखा पढ़ा हुआ चीज़ ना मिले, तो मैं ऐसे ही गेस करूँगा कि ये इस चीज़ के लिए यूज किया जा रहा है, इस चीज़ के लिए किया जा रहा है, ये इस चीज़ के लिए किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इतिहासकार जब उस काल पे जाता है तो वहाँ पे गेस करता है, अच्छा ये पत्थर है, मानो औजार के रूप में यूज करता रहा होगा। पहले हमारा जीवन कैसा था, आखेटक और खाद्य संग्रह का, ऐसी सोसाइटी नहीं जैसे बैठ के आज बैठे हुए हैं, कपड़े उपड़े पहने हुए, ऐसे नहीं था समाज, पहले आदिम मानव का समाज था, है ना। तो आदिम मानव का समाज यानी पुरापाषाण काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक कालों को तीन भागों में बांट दिया गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास की वो अवधि है जब मानव ने लिखना सीख लिया, हमने पढ़ना नहीं सीखा अभी तक, अभी तक हमने उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए, उस समय दी को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। यानी इतिहासकार जब उस समय का इतिहास लिखेगा तो भी पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित होगा, चूंकि उस समय का कुछ पढ़ ही नहीं पाए, है ना। और ऐतिहासिक काल वो समय अवधि होती है जब मानव सभ्यता ने लिखना भी सीख लिया और हमने उसको पढ़ के डिकोड भी कर दिया। तो हमने जब आप इतिहास लिखेंगे तो हमें चीज़ें भी मिल जाएंगी और वो चीज़ों के लिखित प्रमाण भी मिल जाएंगे, यानी सबसे प्रमाणिक काल ऐतिहासिक काल ही होता है। तो प्रागैतिहासिक काल यानी पुरापाषाण काल के औजार जो हैं आपके मुंगेर से मिले हैं, भीम बांध से, ये कुछ जगह हैं जहाँ से ये मिले हैं, यानी पुरापाषाण काल के साक्ष्य बिहार में मौजूद थे, यानी मानव था पुरापाषाण काल का यहाँ पे मुंगेर वाले क्षेत्र में, भीम बांध वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद मध्य पाषाण काल के अवशेष भी मुंगेर से मिले हैं, यानी मुंगेर एक जगह है जहाँ पर आदि मानव रहता था। ठीक है, इसके बाद नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे चिरांद प्रताप का सारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चिरांद और चेचर ये वैशाली में पड़ता है, यहाँ से नवपाषाण युग के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यानी कि पुरापाषाण के अवशेष, पुरापाषाण के एविडेंस उपस्थित थे बिहार में, मुंगेर, चिरांद, चेचर, ये सारी जगहों से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी पुरापाषाण काल इस समय था। पुरापाषाण काल के बाद मानव प्रवेश करता है ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाण से कांस्ययुगीन सभ्यति यानी सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता के एविडेंस बिहार से नहीं मिले, सिंधु घाटी सभ्यताएँ उत्तर प्रदेश तक थी, आलमगीरपुर तक, बिहार में नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी अवशेष बिहार में प्राप्त नहीं है, ठीक है, लैक है वहाँ पे। यानी जब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो वहाँ पे अभी बहुत छोटी छोटी संस्कृतियाँ थी, वहाँ का मानव अभी भी आदिम मानव की स्थिति में ही था,
डेवलपमेंट वहाँ भी शुरू हो चुका था, ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी अवशेष यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद आर्य आते हैं भारत में, है ना, ऋग वैदिक कल्चर और उत्तर वैदिक कल्चर प्रारंभ होता है। तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए एक शब्द मिला है, कीकट और ब्रात, दो शब्द मिले हैं बिहार शब्द, बिहार के बारे में ऋग्वेद में कीकट नाम मिला है, कीकट और ब्रात, तो ऐसा माना गया है बिहार के लिए ही प्रयोग किया गया है, तो यानी ऋग्वेद में बिहार का जिक्र हुआ है। वायुपुराण में गया क्षेत्र में असुरों का राज होने की चर्चा मिलती है कि जो गया का क्षेत्र था यहाँ पे असुर रहते थे, अभी भी लोग जाते हैं ना पिंडदान कराने, तो उसमें वो गयासुर नामक पर्सन है, गया में गयासुर रहता था, उसी के ऊपर पूरा गया बसा हुआ है आपका, उसी पे आप जाते हो पिंड दान करने, सारी चीज़ें होता है ना, पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष में सब लोग जाते हैं। तो वायुपुराण में गया क्षेत्र में असुरों का राज होने की चर्चा मिली है। इसके बाद अथर्ववेद में मगध का स्तर प्रथम उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और इस यहीं से चालू हो जाता है महाजनपद काल। महाजनपद काल यानी उत्तर भारत पूरा 16 महाजनपदों में विभाजित हो जाता है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जनपद थे जैसे काशी था, कोसल था, अवंती था, बज्जी था, ये सब बड़े बड़े महाजनपद थे, उनमें से मगध भी था, मगध सबसे शक्तिशाली बन के उभरा, बहुत सारे कारण हैं मगध के शक्तिशाली होने के। तो अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी में हुआ, 6वीं शताब्दी से मगध साम्राज्य क्यों हुआ, मगध ही क्यों सबसे शक्तिशाली जनपद बन के उभरा, ये क्षेत्र है मगध का, ये जो गया वाला क्षेत्र है, गया पटना ये पूरा जो क्षेत्र है, ये आपका पूरा क्षेत्र मगध महाजनपद है, यहीं पर राजगीर की पहाड़ियाँ, ये सारा नालंदा, पटना गया नालंदा, ये पूरा क्षेत्र आपका मगध महाजनपद था। अब देखो ये क्यों बना, सबसे पहली चीज़ इस क्षेत्र में लोहे की बहुत सारी खाने थी, तो जब लोहे की ज़्यादा खाने होंगी तो क्या होगा, अस्त्र शस्त्र बनेंगे, औजार बनेंगे, है ना, तो आज सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर नए नए अस्त्रों का, नए नए हथियारों का, अच्छे हथियारों का क्या हो गया, प्रयोग होना शुरू हो गया, विकास होना शुरू हो गया, जैसे कि महाशिला कंटक एक हथियार होता था, महाशिला कंटक हो गया, रथ मसूल हो गया, ऐसे बहुत सारे हथियार देखने को मिलते हैं। दूसरा, गंगा घाटी का ये उर्वर क्षेत्र था, यानी आर्थिक रूप से समृद्धिशील था, आर्थिक रूप से समृद्धि का क्षेत्र था, उर्वर था, ठीक है, तो ये गंगा घाटी का उर्वर क्षेत्र था, इस कांड से भी मगध का उत्कर्ष हुआ। इसके अलावा राजगीर की 5 पहाड़ियों से, ये जो राजगीर है, पहले मगध की राजधानी राजगीर थी, राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्री हुई, तो ये जो राजगीर वाला क्षेत्र है ये क्या था, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यानी सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही सशक्त दुर्ग बना हुआ था, किले की नुमा ही पहाड़ियों ने उसे घेर रखा था, यानी कि भौगोलिक सुरक्षा प्राप्त थी मगध को। तो ये कुछ बहुत सारे कारण हैं जो, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, योग्य उत्तराधिकारी, योग्य शासकों का होना, योग्य शासकों की उपस्थिति के कारण से ये क्षेत्र लगातार क्या हो गया, डेवलप होता चला गया और भारत का सबसे बड़ा प्राचीन काल का सेंटर बन के उभरता मगध साम्राज्य। जब आप पढ़ेंगे महाजनपद काल, तो महाजनपद काल का पूरा इतिहास ही अब वहीं पर तो है, हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, मौर्य वंश के बाद पुष्यभूति वंश, शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया, कर्ण वंश के बाद फिर मौर्योत्तर काल, विदेशी आक्रमण हुए, उसी समय गुप्त काल आया, गुप्तोत्तर काल, पूरा किसका इतिहास है, ये पूरा इतिहास मगध का इतिहास है, राजधानी पाटलिपुत्र रही आपकी, है ना, तो ये पूरा क्षेत्र आपका डेवलप हुआ प्राचीन काल का मगध के इर्द गिर्द। बाद में मध्यकाल में चेंज हो जाता है, मध्यकाल में यही क्षेत्र कन्नौज हो जाता है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षी युद्ध होते हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में, लेकिन अभी मगध है, अभी मगध है, अब मगध सेंटर पॉइंट बन के उभरा। बहुत सारे कारण जो कि मैंने आपको बताए कि लोहे की खाने, अस्त्रों के लिए, हथियारों के लिए, आर्थिक समृद्धि थी इस क्षेत्र में, गंगा घाटी का उर्वर क्षेत्र था और राजगीर को सुरक्षात्मक रूप से किलेबंदी मिली हुई थी और महत्वाकांक्षी और योग्य शासक थे, साम्राज्यवादी शासकों का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। यहीं पर एक और महाजनपद था, अंग महाजनपद, भागलपुर वाला क्षेत्र है ना आपका, अंग महाजनपद, राजधानी थी चंपा इसकी, ठीक है, तो अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के क्षेत्र में फैला हुआ था, ये आपका है यहाँ पर भागलपुर और मुंगेर, ये अंग वाला क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था, आपको एक चीज़ और बता दें, भारत में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। गणतंत्र आपको पता है ना,
जहाँ का मुखिया जो होता है क्या होता है, जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ये ऐसा नहीं था जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में भी गणतंत्र है ना, भारत को भी रिपब्लिक कहते हैं ना, हम भी रिपब्लिक हैं। कब बन गए? 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हुआ, भारत गणतंत्र हो गया। यहाँ पर जो भारत का राष्ट्र प्रमुख है वो जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होने लगा। कुछ ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी जैसे आज देखने को मिलती है, लेकिन स्वरूप कुछ ऐसा ही था। तो वैशाली विश्व का पहला, वैशाली ये क्षेत्र विश्व का पहला क्या था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। यहाँ पे राजतंत्र था 16 महाजनपदों में, लेकिन 8 गणतंत्र भी देखने को मिलते जिसमें वैशाली सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो वो भी आपका बिहार के क्षेत्र में ही था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था जो लिच्छुओं द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छुओं द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। यहाँ पर लगातार हर्यक वंश, शुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का शासक था। हर्यक वंश का महत्वपूर्ण शासक नाम था बिंबसार, है ना, उसके द्वारा ये मगध साम्राज्य की स्थापना की गई। बिंबसार का उत्तराधिकारी, बिंबसार बहुत योग्य था, उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए सभी से, और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, दुश्मनी खत्म कर दी। लेकिन उसका बेटा अजातशत्रु बहुत ही योग्य था और बहुत ही साम्राज्यवादी व्यक्ति था, उसने क्या किया, युद्ध मोर्चा खोल दिया। ऐसे मिला तो मिला, नहीं मिला तो मोर्चे से, तो कोसल को जीता। कोसल के बाद बज्जी को षड्यंत्र पूर्वक जीता गया, साम दाम दंड भेद, है ना, किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। विश्व का पहला गणतंत्र था, लिच्छुओं द्वारा स्थापित था। मगध की प्रारंभिक राजधानी पहले गिरिब्रज थी, राजगृह थी। यहाँ पर लगातार हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक या जिसका नाम था उदयन, उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। ठीक है, जो कि बाद में मौर्य साम्राज्य के समय में राजधानी बन जाती है। ठीक है, तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। मगध साम्राज्य महापदम नंद, नंद वंश का एक शासक था जिसका क्या नाम था, महापदम नंद। देखो इसके बाद हर्यक वंश के बाद आता शिशुनाग वंश, दो ही शासक हैं, शिशुनाग और कालाशोक। ठीक है, देखो एक चीज़ और समझ लेते हैं, बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार में ही प्रारंभ हुआ और बिहार में ही बौद्ध संगतियाँ भी हुई। पहली बौद्ध संगति आपकी अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे हुई, कहाँ हुई, वैशाली में। ठीक है, पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में 483 BC में हुई। कौन थे अध्यक्ष पहले इसके, हाँ, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, इसके बाद दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के टाइम पीरियड पे हुई। कालाशोक के टाइम पीरियड पे हुई, कहाँ हुई, जगह क्या थी, सॉरी, पहली बौद्ध संगति आपकी राजगृह में हुई थी, राजगृह में जो उसकी राजधानी थी। दूसरी बौद्ध संगति आपकी वैशाली में हुई। दूसरी बौद्ध संगति 100 साल बाद 383 BC में वैशाली में हुई, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे साबा कामी। पहले के थे आपके महाकश्यप, दूसरे के थे साबा कामी, और तीसरी बौद्ध संगति आपकी, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के टाइम पीरियड पर हुई और पाटलिपुत्र में हुई, और उसकी अध्यक्षता की मोगलतिस्सपुत्र ने। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई, और किस, कौन थे अध्यक्ष उस समय, वशुमित्र। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, जो है बौद्ध धर्म को परिभाषित करने के लिए बार बार बौद्ध संगतियां हुई। पहली संगति थी जिसमें विनय सुत्त कौन कौन से, तीन पिटक हैं। ठीक है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, तो विनय और सुत्त जो है पहली में, फिर अभिधम्म दूसरी में, फिर इसके बाद टूट गया चौथी में, महायान और हीनयान में बदल गया। बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में, तो अलग बात है, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बिहार जो है आपका पहले हर्यक वंश का शासक था, फिर शिशुनाग और कालाशोक का टाइम पीरियड आता है, तीसरा जो शासक रहता है महापदम नंद के टाइम पीरियड पर नंद वंश का शासन शुरू हो जाता है। महापदम नंद के समय बहुत ही रिच था कल्चर, बहुत पैसा था इस क्षेत्र में, बहुत धन था। सिकंदर इसके बाद आया, महापदम नंद के बाद धनानंद का शासन, वो भी नंद वंश का शासक था। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, और जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ तो उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको ये पता था कि यहाँ पे नंद वंश का शासन था, और नंद वंश के शासकों को इतनी बड़ी सेना थी, यानी पहली बार महापदम नंद ने ही क्या किया,
मगध सम्राट को विश्व का बहुत ही विशाल सम्राट के रूप में स्थापित कर दिया। भारत का पहला महान साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है महापद्म नंद को, ठीक है, जिसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य के तहत और बड़े स्तर पर विस्तारित किया, लेकिन महापद्म नंद ने ही इसको एक विश्व का सबसे शक्तिशाली राज्य को स्थापित कर दिया था। तो मगध साम्राज्य के महापद्म नंद ने स्वयं को एक राट कहा था इन्होंने। मगध साम्राज्य में घनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर वापस हो गया, वहीं पर तक सीमित था, तक्षशिला वाले क्षेत्र में झेलम नदी के तट तक सीमित था वो। वहीं से पोरस के साथ युद्ध होता है, बितास्ता का या हाइड्रिस पीच का युद्ध होता है ना, वहीं से वापस लौट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश को समाप्त कर दिया जाता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। पाटलिपुत्र में एक जगह है कुम्हरार, वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिला है, वो भी लकड़ी से बना हुआ था। लकड़ी का बना हुआ महल जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। मास्की एक जगह है जिनमें लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, जिसमें अशोक ने बताया है कि मैं मगध का साम्राज्य हूँ। मास्की के लघु शिलालेखों से पता चलता है, अशोक घोषित करता है कि वो कहाँ का सम्राट है, मगध का सम्राट है। तो यहाँ पर अशोक भी शासक था मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा शासक आता है बिंदुसार के बाद आता है अशोक, सबसे महान शासक। महान शासक क्यों कहते हैं अशोक को? कलिंग के युद्ध के बाद उसने क्या किया, युद्ध नीति छोड़ दी, धम्म नीति प्रारंभ कर दी, सद्भाव शांति इसी का ही प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, युद्ध को निरर्थक बताया उसने, है ना। तो कहीं ना कहीं पे जो आपका पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल है वो मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ठीक है। महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश की स्थापना की, यहीं पर इस समय छोटे मोटे अंटू पंटू, ठीक है। तो महेश ठाकुर एक पर्सन, इन्होंने दरभंगा राजवंश की स्थापना की। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। आप जानते हैं गुप्त वंश में नालंदा एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही है, किस चीज़ के लिए, शिक्षा के लिए। भारत में शिक्षा का केंद्र था नालंदा, तो शिक्षा का केंद्र था नालंदा, तो भारत में नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। पाल शासक धर्मपाल ने भागलपुर जिले में विक्रमशिला महाविहार एवं विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला ये भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जिसको धर्मपाल ने बनवाया था। दो केंद्र है, नालंदा कुमारगुप्त के द्वारा और विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। पाल शासकों के द्वारा भागलपुर जिले में विक्रमशिला महाविहार बनाया गया और विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया गया। बिहार में तुर्क सत्ता आ गई, बख्तियार खिलजी का आगमन हो गया। ये वो समय था जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हो गया लाहौर में, दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो गया भारत में। बख्तियार खिलजी ने रौंद दिया पूरे बिहार और बंगाल को, ठीक है। तो बंगाल में तुर्क सत्ता को स्थापित करने का श्रेय इसी को जाता है, बख्तियार खिलजी को। और बख्तियार खिलजी वो पर्सन है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया, नालंदा विक्रमशिला, ठीक है। तो बिहार में तुर्क सत्ता स्थापना का श्रेय, वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। मुगल शासक अकबर ने 1576 में सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, और यहीं से बिहार बंगाल का हिस्सा बन जाता है। शेरशाह सूरी का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया। पटना शहर बसाने का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को, ठीक है। 12 अगस्त 1765 शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य का शासक, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की और मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। मुंगेर आपका बिहार में अवस्थित है यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना ही होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने इसी दौरान जब ये पूरा चल रहा था, पहले बंगाल का अधिग्रहण किया जा रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। जब इतिहास पढ़ोगे तो इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा। प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, बीच में कितने षड्यंत्र हुए, अंग्रेजों ने कहाँ पे क्या किया, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया। 1830 के दशक में पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र बन गया। एक बहावी मुस्लिम सुधार आंदोलन था, बहावी आंदोलन का केंद्र बना 1530 में। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं जिनका नाम मैं लूँगा जो बहावी आंदोलन से जुड़े थे। 1857 की क्रांति बिहार तक पहुँची और इसमें आपको पता होगा
जगदीशपुर के जमींदार थे, क्या नाम था, कुंवर सिंह। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता बने बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो बाद में इनके छोटे भाई ने नेतृत्व किया था, चर्चा भी करेंगे। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। जयप्रकाश नारायण, इनका नाम आपने सुना ही होगा, जेपी आंदोलन हुआ था 1975 में, जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, आपातकाल के दौरान उसके विरोध के परिणामस्वरूप। तो जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इनको क्या बोला जाता है, लोकनायक बोलते हैं इनको। बिहार और उड़ीसा तथा 1936 एडी में विभाजन हुआ। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर दास प्रसाद। 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हो चुका था। ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1763 में हुआ था, जिसका नाम था सन्यासी विद्रोह, वो भी बिहार से ही हुआ। ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध 1763 में पहला विद्रोह हुआ, बंगाल और बिहार के सन्यासियों द्वारा किया गया, तीर्थ यात्रा कर को लेकर के विद्रोह हुआ था। इसके बाद चंपारण और नील आंदोलन, चंपारण में आपको पता ही होगा तिनकटिया प्रथा चल रही थी उस समय, है ना, तिनकटिया में नील की खेती को लेकर अंग्रेजों द्वारा विवश किया जाता था, और उसको लेकर के आपने नाम, आपको राजकुमार शुक्ल का नाम याद होगा, किसान नेता हैं, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि आप चंपारण आइए, हमारी समस्या का निजात कीजिए, किसान मर रहे हैं, परेशान हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और इस आंदोलन में पहुँचने के बाद गांधी जी ने पहली बार इस राजनीति पर कदम रखा और ये एक सफल आंदोलन था। तिनकटिया प्रथा ख़त्म करनी पड़ी अंग्रेज़ों को। ठीक है, इसके बाद जो है चंपारण में गांधी जी इसके राष्ट्रीय नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पटना कॉलेज से पढ़े हुए हैं ये, जयप्रकाश नारायण ने 20 दिन उस समय गांधी जी ने कहा सबको कि असहयोग कर दो, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दो, स्कूलों को छोड़ दो। जयप्रकाश नारायण ने छोड़ दिया, सीरियस ले लिया। 20 दिन बाद एग्जाम था, लेकिन 20 दिन पहले ही इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित हो गए। तो जयप्रकाश नारायण ने, ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया था कि जेपी ने कितने दिन बचे थे एग्जाम में पहले, बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी। तो 20 दिन पहले ही उन्होंने, जेपी ने इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फिस था। 1930 एडी में विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति लदा, ठीक है, विद्यापति भोजपुरी के बहुत बड़े, ठीक है, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में, कुछ चर्चाएं करेंगे, तो भोजपुरी से जुड़े थे ये विद्यापति, भोजपुरी या मैथिली से हैं शायद विद्यापति, अभी देख लेंगे एक बार, मुझे कंफर्म देखना पड़ेगा। तो विद्यापति द्वारा रचित इन्होंने एक बुक लिखी है कीर्ति लता, कीर्ति लता में भी बिहार शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कीर्ति लता में बिहार शब्द का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हैं जो बिहार में जुड़े हुए थे, जैसे भारत में उत्तर प्रदेश में थे ना, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह पंजाब से थे, तो ऐसे ही क्रांतिकारी, बहुत सारे क्रांतिकारी लोग बिहार से भी आए हैं। जैसे एक थे श्री सियाराम सिंह, बिहार के क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। अंबिका कांत सिंह और जगदीश नारायण, ये एक युवक थे और इन्होंने युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली थी, अंबिका कांत सिंह और जगदीश नारायण ने। चंद्रमा सिंह, लाहौर तथा पटना षड्यंत्र कांड में ये मुखबिर फणेन्द्रनाथ की इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, लाहौर और पटना षड्यंत्र केस था, उसमें फणेन्द्रनाथ मुखबरी कर रहा था अंग्रेजों की, उसको चंद्रमा सिंह ने मार दिया था। खुदीराम बोस का नाम कौन नहीं जानता, एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, जिसने भारत की आज़ादी में पहली फांसी, ठीक है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, 1908 में इन्होंने मुजफ्फरपुर के जिले में डॉक्टर DH किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन धोखे में वकील जो है प्रिंगले कैनेडी और उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है, इस कारण से फिर इनको बाद में फांसी में लटका दिया जाता है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये भी बिहारी से थे। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, ठीक है, ये भी एक क्रांतिकारी थे। इसके बाद आपके कार्यानंद शास शर्मा, ये भी बकास्त भूमि को वापसी को लेकर के इन्होंने काफ़ी बड़ा आंदोलन चलाया था। और इसी प्रकार से आपके क्रांतिकारियों में से बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं सबकी लिस्ट यहाँ पर आप लोगों के साथ दूंगा, कौन कौन से पर्सनालिटी जो बिहार से जुड़े हुए हैं, प्राचीन काल से लेके अब तक की सारी पर्सनालिटी, आपको पता चलेगा कि बिहार की धरती ने क्या दिया है। ऐसे नहीं इसे लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता, ठीक है, वास्तव में दो दो महापुरुषों को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ है, एक महावीर दूसरे बुद्ध, तो जिसको भी ज्ञान चाहिए वो बिहार ही में मिलेगा, जिसको तप करना है कुछ करना है, बिहार बिल्कुल प्रसिद्ध जगह है, फेमस जगह है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य, बिहार में कल्चर कैसा है, बिहार की
कौन कौन से लोक नृत्य हैं, कौन कौन से लोकगीत हैं, कौन कौन से मेला हैं, कौन कौन सी जगह आपको घूमना जाना चाहिए। तो कुंडग्राम का आपको नाम पता ही है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था यहाँ पे कुंडग्राम में, है ना। एक जगह पर थी बिहार शरीफ, उदंतपुरी पहले विश्वविद्यालय था, धर्मपाल द्वारा इसे बनवाया गया था। अभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दरगाह है, बहुत फेमस दरगाह है। तो उदंतपुरी आप बिहार शरीफ जा सकते हैं घूमने। बिहार शरीफ नालंदा की क्या है मुख्यालय, उस नालंदा का बिहार शरीफ में ही है, ठीक है। तो नालंदा में अवस्थित है ये। वैशाली, वैशाली के बारे में आप जानते ही हैं, जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में ही हुई थी, है ना। इसके बाद नालंदा प्राचीन काल में शिक्षा और ज्ञान का बहुत बड़ा क्षेत्र, अब तो नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से बनाया गया है और फिर से एक्ट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है रैलिक स्तूप, ये भगवान बुद्ध का पार्थिव, भगवान से बुद्ध का जब शरीर उनका देवासान हुआ तो उनके अस्थियों पर, उनके पार्थिव शरीर पर बहुत सारे स्तूप बनाए गए। 8 स्तूप बनाए गए, उनमें से एक स्तूप रैलिक स्तूप, ये बिहार में ही अवस्थित है। राजगिरी, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी या राजगीर है। सासाराम, शेरशाह सूबी का मकबरा, यहाँ भी घूमने आप जा सकते हो। बोधगया, गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, यहाँ भी जा सकते हो। गया धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। इसके बाद पावापुरी, पावापुरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पावापुरी में ही नालंदा और ये जैन तीर्थस्थल है, क्योंकि महावीर स्वामी ने यहीं पर देवासान शरीर त्याग किया था, ठीक है। नेक्स्ट है सादिकपुर, ये पटना का एक मोहल्ला है। सादिकपुर पटना का एक मोहल्ला है जो वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट आप घूमने जा सकते हो पादरी की हवेली, ये सबसे पटना का सबसे पुराना चर्च है, पादरी की हवेली। विक्रमशिला, ये भी शिक्षा का केंद्र था। देव देवमार के प्राचीन सूर्य मंदिर है यहाँ पर। और बनगांव, प्रमुख पुरातात्विक स्थल जो है बनगांव से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जहाँ पर आप कुंडाग्राम, बिहार शरीफ, वैशाली, नालंदा, रैलिक स्तूप, राजगिरी, सासाराम, बोधगया, गया, पावापुरी, ठीक है, यहाँ पर आप जा सकते हो। सादिकपुर इधर। अब यहाँ पर बिहार सरकार में सबसे इम्पोर्टेंट अभी करंट का भी टॉपिक रहा मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को बिहार सरकार ने क्या किया, जिले की कला राजधानी के रूप में विकसित करने का काम किया है। जो मधुबनी क्षेत्र है इसको, मधुबनी जिले को अब कला राजधानी बनाई जा रही है बिहार की, अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। कारण क्या है, मधुबनी अपनी मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की पेंटिंग है, आप कभी नेट में सर्च कीजिएगा मधुबनी पेंटिंग, आपको पता चलेगा, ठीक है। वो पहचान है यहाँ की, इसको बिहार सरकार कला राजधानी के रूप में डेवलप करने का काम कर रही है, ठीक है। एक सरकार ने, भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी हृदय योजना। हृदय योजना के तहत भारत सरकार 12 स्थानों या शहरों का चयन कर रही थी, जिनमें से अजमेर राजस्थान में पड़ता है, अमरावती कहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश में, अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, पुरी, वाराणसी, बेलकुन्नी और बारांगल। इसमें गया जो है हृदय योजना के तहत जुड़ा हुआ है। इस योजना के तहत हमें क्या करना है, इनको जितने भी हेरिटेज हैं, इन हेरिटेज को हमें डेवलप करना है ताकि पर्यटन की दृष्टि से भारत को रिच बनाया जा सके। तो हृदय योजना के तहत बिहार का गया क्षेत्र अवस्थित, ठीक है, भारत सरकार की हृदय योजना में इसको भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक जरदालू आम। जरदालू आम कहाँ पाया जाता है, जैसे आप लोगों ने अल्फांसो आम का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र का बहुत फेमस आम है, बहुत महंगा, बहुत रिच, अल्फांसो आम नाम सुना है, हाँ, वैसे एक जरदालू आम होता है, कहाँ होता है, भागलपुर का बहुत फेमस आम है, हल्के पीले रंग का होता है और बहुत ख्याति प्राप्त है जरदालू आम। दूसरा है कतरनी धान, ये भी बिहार में ही है। बिहार में आपको पता ही है मुख्य भोजन, बिहार का मुख्य खेती जो है धान की खेती है और लोगों का मुख्य भोजन चावल ही है, रोटी से ज़्यादा चावल पसंद है, ठीक है। तो कतरनी धान जो है अपनी लंबाई और सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कतरनी धान अपनी लंबाई और सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक और मगही पान, जैसे हमारे यहाँ बनारसी पान है वहाँ मगही पान है, तो मगही पान जो है ये नवादा जिले का विशेष उत्पाद है, नवादा यहाँ पर पड़ता है, नवादा जिले का विशेष उत्पाद है। बिहार के लोक नृत्य, बहुत सारे लोक नृत्य देखो दो तरीके के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म, जैसे आपका कथक, कुचिपुड़ी है ना, भरतनाट्यम, ओडिसी, ये सारे हैं। यहाँ पर बिहार का कोई ऐसा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यहाँ पर लोक नृत्य बहुत सारे हैं, झझिया नृत्य, खिलाड़िया नृत्य, विद्यापति नृत्य, करिया नृत्य, झूमर नृत्य, धोबिया नृत्य, पौड़िया नृत्य, बहुत सारे नृत्य हैं, जोगिया नृत्य, भकुली नृत्य, कतरनरिया नृत्य, लौंडा नृत्य, डोमचक, जट जाटिन, विदेशिया, ऐसे बहुत सारे लोक नृत्य हैं। अब इनको आप ज़्यादा आपको इच्छा है तो आप नेट में देखिएगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छा लगेगा, हो सकता है कुछ लोग देखते भी हों।
नेक्स्ट है लोकगीत। बिहार के लोकगीत पूर्वी, लगनी, नचारी, परोगीत, दीनाभद्री, बिजमैल, सहलेज, लोरिया गायन, गाथा गीत, संस्कार गीत, ये बिहार के लोकगीत हैं। मेला, बहुत सारे मेला हैं। पहला है सिंहवेश्वर स्थान का मेला। मेला हर साल लगता है, मेला का मतलब ये जो हर साल आए, है ना। तो सिंहवेश्वर स्थान का मेला शिवरात्रि में लगता है मधेपुरा में। मधेपुरा एक जगह है, ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, ये मधेपुरा, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का जो मेला है वो आपका सिंहवेश्वर स्थान का मेला यहाँ पे लगता है। दूसरा है मंदार का मेला, मकर संक्रांति में लगता है बांका जिला में। बांका कहाँ पड़ता है आपका, बांका जिला ये है, बांका जिला यहाँ पर है, यहाँ पर मंदार मेला लगता है। मुजफ्फरपुर का मेला साहित्यिक मेला है ये, जैसे कि आपका यहाँ पे लगता है प्रगति मैदान में, वैसे ही मुजफ्फरपुर का मेला साहित्यिक मेला। पितृपक्ष का मेला गया में लगता है, पिंडदान वगैरह आप जानते ही हैं, गया में पितृपक्ष मेला हर साल लगता है। नेक्स्ट आपका जानकी नवमी मेला, चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा की नवमी को सीतामढ़ी में ये मेला लगता है, ठीक है। इसके बाद वैशाली मेला, ये धर्म जैन धर्म वाले मनाते हैं वैशाली का मेला, जैव धर्मावलंबी। नेक्स्ट है सौराठ मेला, मधुमरी में लगता है। सोनपुर का पशु मेला, देश का सबसे बड़ा पशु मेला है ये, ठीक है। और हरिहर क्षेत्र का मेला भी इसे कहा जाता है, सोनपुर वाला याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा, ये देश का सबसे बड़ा पशु मेला है, हरिहर क्षेत्र का मेला भी इसे कहते हैं सोनपुर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान गया ही है, बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान गया ही है। बिहार का प्रथम नृत्य भवन भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में अवस्थित है, और 2017 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार रामचंद्र मांझी को चुना गया था। 2017 का संगीत, जो कि बिहार से हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 रामचंद्र मांझी को चुना गया। बिहार की भाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भोजपुरी है ना, भोजपुरी ये मगही का अपभ्रंश से उत्पन्न है, बिहार के पश्चिम वाले क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्वी वाले क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है, ठीक। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्सन है, भिखारी ठाकुर का नाम सुना होगा, भिखारी ठाकुर, रघुवीर नाथ, महेंद्र मिश्रा, इन लोगों ने भोजपुरी को इनरिच्ड करने में, उसके साहित्य में योगदान देने में महत्वपूर्ण योगदान किया, भिखारी ठाकुर, रघुवीर नाथ, महेंद्र मिश्रा। मैथिली, मैथिली मिथिलांचल वाले क्षेत्र में बोली जाती है, आपका है ना पूरा क्षेत्र ये आपका मैथिली वाला बेल्ट है, मैथिली ये जो है ना दरभंगा ये सब मैथिली वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर मिथिलांचल अथवा तिरहुत क्षेत्र में भाषा बोली जाती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण पर्सन कौन कौन से हैं, जो मैंने विद्यापति का नाम लिया था वो मैथिली से जुड़े हुए हैं, मैथिली कीर्ति लता जिनकी, विद्यापति बहुत बड़े साहित्यकार हैं, विद्यापति मैथिली साहित्य से जुड़े हुए हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, भानु कवि, रुद्रधारा, गोविंद दास, है ना, ये सब जो है मैथिली साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। मगही, मगही वाला क्षेत्र, मगही जो है इसमें महत्वपूर्ण पर्सन है लक्ष्मी नारायण पाठक, श्रीधर मिश्रा, योगेंद्र सिंह योगेश, ये सभी जो हैं, योगेश्वर सिंह योगेश, ये सभी मगही भाषा से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये पूरा जो बेल्ट है ये सब पूरा आपका मगही का है, ठीक है। तो बिहार की प्रमुख भाषा देखो हिंदी उर्दू तो है ही हर जगह, हिंदी उर्दू भोजपुरी मगही मैथिली, इसके अलावा अंग्रेजी वो सब चीज़ें चलते हैं, सारे वो अंग्रेजी भी बोली जाती है, ठीक है। बिहार में भोजपुरी सिनेमा, नाम सुना होगा, मनोज तिवारी, रवि किशन, है ना, पवन सिंह, बहुत सारे लोगों के नाम सुना, और लोग कुछ लोग देखते भी होंगे भोजपुरी सिनेमा। तो बिहार में फिल्मों के बनने का सिलसिला 1931 में प्रारंभ हुआ, सबसे पहली फिल्म बनी पुनर्मिलन, ठीक है, पहली फिल्म थी बिहार की पुनर्मिलन, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं बनाई गई थी, लेकिन 1931 से ही बिहार में फिल्म बनना शुरू हो जाती है। भोजपुरी की पहली फिल्म बलम परदेसिया, है ना, तो भोजपुरी की पहली फिल्म बनी बलम परदेसिया। महत्वपूर्ण जो यहाँ पे चर्चित लोग हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, सुदीप पांडे, पवन सिंह, छैला बिहारी, ठीक है, ये चर्चित भोजपुरी के कलाकार हैं। और मैथिली में भी कुछ फिल्में बनी हैं, मैथिली की प्रथम प्रदर्शित फिल्म है कन्यादान, ठीक है, और मगही में एक फिल्म बनी है जिसका नाम है, क्या नाम था, मैया, मैया फिल्म बनी है, और पूर्ण रूप से मगही में निर्मित पहली फिल्म है ये, 1964 में इसका प्रदर्शन किया गया, ठीक। तो भोजपुरी सिनेमा सब लोग जानते हैं, तो भोजपुरी सिनेमा में बस इतना याद रखिए बलम परदेसिया पहली बुक है, इसको नहीं भूलना है, और मैथिली की पहली बुक फिल्म है आपकी कन्यादान, बिहार की पहली फिल्म है पुनर्मिलन, ठीक है, ये कुछ नाम याद रखिएगा, और पूर्ण रूप से मगही में निर्मित पहली फिल्म है मैया, ठीक है, 1964 में इसका प्रदर्शन हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिहार के बारे में कुछ ऐसी चटपटी बातें, जनगणना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, जनगणना से क्वेश्चन आते ही आते हैं,
आप ये समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन आपके जनगणना से ही आ जाएंगे, इसलिए आप जनगणना जानना जरूरी है। बिहार की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, कितनी है 10 करोड़ 40 लाख 99 हज़ार 452 लोग हैं बिहार में। इतना मत याद करो, 10 करोड़ 40 लाख लोग बिहार में रहते हैं। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है, अभी और बढ़ गया होगा। ठीक है, पुरुष जनगणना 5 करोड़ 42 हज़ार था, ठीक है, ये कुछ है। महिला 4 करोड़ 98 हज़ार, यानी महिलाएं कम है पुरुषों की अपेक्षा में। लिंगानुपात नकारात्मक, ठीक है। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 11% 11.3% नगरीय क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है 88.7 क्षेत्र। गांव ज़्यादा हैं, शहर कम है, नगर कम है बिहार में, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या 11.3%, ग्रामीण जनसंख्या 88.7। उत्तर प्रदेश वाले खुश ना हो, ठीक है, अभी आपका नंबर आएगा, आपको पता चलेगा। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तेज़ी से जनसंख्या यहाँ की बढ़ रही है, देश के स्तर से ज़्यादा 25.4%। ये याद रखिएगा, 2001 से 2011 में जो 10 साल में 10 की जनसंख्या वृद्धि है वो 25.74% है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या 11.3, ग्रामीण जनसंख्या 88.7, और 10 की वृद्धि है 25.4। जनसंख्या घनत्व तो आपको पता ही है, भारत में नंबर एक है बिहार, 1106 लोग 1 किलोमीटर के दायरे पर रहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान है, प्रथम स्थान। लिंगानुपात कितना, 918, 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं हैं, तो आधे ज़्यादा कुछ अविवाहित, जरूरी थोड़ा ना है। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका गोपालगंज यहाँ पे पड़ता है, ये है गोपालगंज, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से बॉर्डर जुड़ी हुई है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है गोपालगंज में, और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला शिवहर, छोटा सा है, शिवहर में जनघनत्व बहुत ज़्यादा है, और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कैमूर, ठीक है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट यहीं पर है आपका, कहाँ पर है कैमूर, यहाँ पर है, ये है, हाँ कैमूर, जिसका मुख्यालय भभुआ है, ठीक है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला, ठीक है, कैमूर ही है, छेलपत की वजह से सबसे बड़ा जिला, जैसे उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है ना, वैसे बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, काफ़ी बड़ा एरिया है इसका, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शिवहर ही है, शिवहर सबसे छोटा है, छोटा से हिस्सा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, राजधानियों में होती है, आप दिल्ली के हाल देख लो, लखनऊ के हाल देख लो, हर जगह सेंट्रल पॉइंट होता है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, ठीक है, सबसे कम यहाँ पर है कहीं पर, ये है शेखपुरा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, मधेपुरा यहीं पर है, ये है मधेपुरा, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, और सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है, कब सबसे कम, ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं है, कम लोग जो है बड़े परिवार नियोजन को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा नगर बिहार का पटना ही है, क्षेत्रफल की दर से बिहार देश का 12वें नंबर पे आता है, पहले नंबर पे क्षेत्रफल पे कौन है, राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर पे जम्मू कश्मीर, अब क्या चाहते हो मैं 12 के 12 बताऊँ, ठीक है, टॉप 5 12वें नंबर पे आपका बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश के क्रम में तीसरा स्थान है, जनसंख्या में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, बस टॉप 4 आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आपका बिहार है। बिहार की टोटल साक्षरता लिटरेसी रेट कम है, कितना है 61.80, लैंड ऑफ नॉलेज की ये हाल है, वो भी सरकारी आंकड़ा है, तो 61.8% जो लोग हैं यहाँ पे साक्षर हैं। पुरुष साक्षरता देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा है, 71.2% है, और महिला साक्षरता 51%, ये सोचने की बात है, ठीक है। यूपी में सब बराबर ही हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है यूपी की, ठीक है। नेक्स्ट आगे, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला रोहतास, सासाराम जिसका मुख्यालय यहाँ पे है रोहतास, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया है, सबसे कम, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम साक्षरता है, लिटरेसी रेट सबसे कम, ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है।
इसके बाद कितना है यहाँ पे, 51.1% साक्षरता है और रोहतास में 73.4% साक्षरता है। नेक्स्ट आगे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, किशनगंज में, इधर से आती है ठीक है, गंडक नदी इधर है ठीक है, तो सबसे ज्यादा किशनगंज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, औरंगाबाद आपका ये है पुनपुन जहाँ से होके जाती है। नेक्स्ट आगे अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, गया, ठीक है, सबसे ज्यादा है सर्वाधिक SC कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, गया में, और सबसे कम रहते हैं सिवहर में, ठीक है। नेक्स्ट सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी के लोग रहते हैं और सबसे कम शिवहर में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जनगणना के कुछ आंकड़े हैं, ये कुछ नहीं सारे आंकड़े हैं, इसलिए आपको ये आंकड़े रटे होने चाहिए बिल्कुल से, एक भी बार से चूकना नहीं चाहिए आपको। लिंगानुपात 918 है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, न्यूनतम उत्तर प्रदेश में कौन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, जौनपुर है ना, यहाँ पे गोपालगंज, ठीक है। ये सब जनघनत्व वाला जिला शिवहर है, ठीक है, ये सब पूरा एक कंप्लीट जितने चीज़ें मैंने बताई। साक्षरता रेट 61.8% है, याद रखना, इनसे क्वेश्चन आते ही है, हमेशा जनगणना आपके पास दिमाग में होना ही चाहिए, जनगणना के बिना काम नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री और कौन सा उद्योग लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कांच उद्योग पटना में है, कांच उद्योग जो है पटना में है, तंबाकू उद्योग गया में है, आरा में है, बिहार शरीफ में, बक्सर में, पूरे बिहारी में तंबाकू उद्योग है, ठीक है। तंबाकू उद्योग के लिए फेमस जगह है गया, आरा, बिहार शरीफ, बक्सर, दिलावरपुर, मुंगेर, ये सब, ठीक है। चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा और गया, ठीक है, मोकामा, दीघा और गया में चमड़ा उद्योग है। उर्वरक विरोध उद्योग बरौनी में है, थर्मल पावर प्लांट स्टेशन बरौनी में है, कोयला आधारित है ये। सिंदूर उद्योग लखीसराय में है, ये लखीसराय। इसके बाद तसर रेशम भागलपुर में फेमस है। पटाखा उद्योग पटना सिटी में है। रेल इंजन मरम्मत जमालपुर में खुला हुआ है। रेल पहिया बनाया जाता है बेलापुर छपरा में। स्लीपर कारखाना जो है मधेपुरा में है। खनन उद्योग औरंगाबाद में है। लौह उद्योग गया में है। और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। तो इंडस्ट्री है जैसे भारत में, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री हर जगह पे अलग अलग फैली हुई है, वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद हाजीपुर वाला जगह, यहाँ पे प्लाईवुड वाला क्षेत्र फेमस है। जूट के लिए सहरसा, दरभंगा, चंपारण, समस्तीपुरी, कटिहार, ये पूरा क्षेत्र आपका जूट के लिए है, ठीक है। कंबल उद्योग जो है औरंगाबाद, मोतिहारी, पूर्णिया, गया। हथकरघा उद्योग पटना, मुंगेर, गया, बिहार शरीफ, ये वाला क्षेत्र है। बर्तन उद्योग सिवान और बिहटा में है। सीमेंट उद्योग बंजारी, डालमिया नगर पे है। सूती उद्योग गया, पटना, फुलवारी शरीफ में है। चीनी उद्योग मझिया, सुगौली, मोतिहारी, ये क्षेत्र है। मोतिहारी, मोतीपुर, सारण, सिवान, दरभंगा, ये बहुत बड़ा चीनी उद्योग बहुत बड़े क्षेत्र पे है। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार का क्षेत्र करमटिया गांव मुंगेर में पड़ता है, यहाँ पे मुंगेर है आपका, करमटिया गांव मुंगेर में स्वर्ण भंडार का क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। चलो इतना ज़्यादा क्या करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको जानना जरूरी है कहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री है। बिहार वाले बिल्कुल रट लें इसको, बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके कुछ पूछा जाता है बिहार स्पेशल में तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार, ये बहुत जरूरी है। बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार, सबसे पहले भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में पड़ता है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य आपका मुंगेर में पड़ता है। दूसरा है भागलपुर में पड़ता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, यह आपका भागलपुर में पड़ता है। तीसरा है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में पड़ता है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में पड़ता है। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय की कांवर झील में पड़ता है। नागी पक्षी विहार जमुई में है। बक्सर पक्षी विहार बक्सर में है। गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार में है। कुलशेखर पक्षी विहार दरभंगा जिला के कुलशेखर स्थान पर है। नकटी पक्षी विहार जमुई में है। ये पक्षी विहार वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आते हैं, इनको याद रखना है। भीम बांध मुंगेर में है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, वाल्मीकि नगर वन्य जीव पश्चिमी चंपारण, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, कांवर पक्षी विहार बेगूसराय कांवर झील, नागी पक्षी विहार जमुई, बक्सर पक्षी
बिहार बक्सर, ठीक है, गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार, कुलशेखर पक्षी बिहार दरभंगा जिला का कुलशेखर स्थान, नकटी पक्षी बिहार जमुई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रयोगशाला अनुसंधान क्षेत्र हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। पहला, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, लीची प्रसिद्ध है कहाँ की, लीची को जीआई टैग दिया गया है, शाही लीची को जीआई टैग, मुजफ्फरपुर, हाँ, तो लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। राजकीय संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला पटना में अवस्थित है। कृषि अनुसंधान केंद्र मीठापुर पटना में अवस्थित है। फल अनुसंधान केंद्र सबौर और भागलपुर में अवस्थित है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान पटना में अवस्थित है। राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में अवस्थित है। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना में अवस्थित है। टीबी डिमॉन्स्ट्रेटर एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना में अवस्थित है। कुशल युवा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण 2 अक्टूबर 2016 में किया गया है, कारण इसलिए अभी इनकी चर्चा करेंगे। पूरा करंट अफेयर्स मैंने लिखा है इधर, तो करंट अफेयर्स के बारे में भी चर्चा थोड़े से टाइम बात करेंगे। तो हमारी अभी तक चर्चा क्या क्या हो गई, हमने अभी बिहार के बारे में एक परिचय देखा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, प्रमंडल कितने हैं, राज्यपाल कितने हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार का नाम कब पड़, बिहार पड़ा, क्यों पड़ा, बिहार का एक ऐतिहासिक क्रम हमने पूरा यहाँ पर जानने का प्रयास किया। इसके बाद बिहार का सांस्कृतिक परिदृश्य जानने का प्रयास किया, बिहार में लैंग्वेज क्या है, मेला क्या है, लोकगीत क्या है, लोक नृत्य क्या है। इसके बाद भोजपुरी सिनेमा के बारे में दो चार बातें हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर को देखा। अब हम जो है आगे चर्चा करते हैं बिहार में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटीज बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी बिहार से ही है। कौन है महावीर स्वामी? जैन धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है, कुंडा ग्राम वैशाली में ही इनका जन्म हुआ था, तो ये बिहार से ही है। महावीर स्वामी कौन है? बिहारी है, है ना, ये ध्यान है। जैन धर्म के संस्थापक, 24वें तीर्थंकर, वास्तविक संस्थापक, जो बिहार, देखिए कितनी बड़ी बिहार की धरती ने बहुत कुछ दिया है, भारत को दो धर्म दे दिए, है ना। तो महावीर स्वामी जैनिज्म के वास्तविक संस्थापक। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये बिहार से नहीं है लेकिन इनको ज्ञान बिहार में मिला, ठीक है, और इनका कार्य क्षेत्र जो था बिहार ही था ज़्यादातर, मगध साम्राज्य के शासकों के साथ अधिकतम कार्य क्षेत्र इनका बिहार। तो महावीर, महात्मा बुद्ध का नाम भी बिहार की धरती से जुड़ता है, ठीक है, बोधगया में। अजातशत्रु नाम सुना है कहाँ, किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक, अजा मगध का साम्राज्यवादी शासक था अजातशत्रु। इसके बाद महापद्मनंद, उत्तर भारत का प्रथम उत्तर भारतीय साम्राज्य निर्माता था ये, ठीक है। महापद्मनंद ने उत्तर भारतीय साम्राज्य को विकसित किया, नंद वंश का शासक था, ये भी बिहार। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, भारत का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है, क्ययों? इसने यूनानियों से भारत को मुक्ति दिलाई, सेलुकस निकेटर के साथ 1305 में इसका युद्ध हुआ था, और उसके बाद यूनानियों को इसने पूरी तरीके से, तो इसको भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। अशोक, भारत का महानतम शासक, शांति सद्भाव जन कल्याण का संदेश दिया इसने जनता में, है ना, तो अशोक भी बिहार की धरती से। चाणक्य, राजनीतिक गुरु, कूटनीतिज्ञ, है ना, मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्र के रचयिता, चाणक्य भी बिहार की धरती से हैं। नेक्स्ट, पाणिनी, अष्टाध्यायी के रचयिता, इनमें बड़ा विवाद है, कई लोग पाणिनी को बिहार बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं दूसरी स्थान से हैं, लेकिन अभी कुछ हिसाब से बिहार से हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, ये भी बिहार ही में था। समुद्रगुप्त, महान विजेता, भारत का नेपोलियन कहा जाता था, बिहार की धरती से, ठीक है। नेक्स्ट, आर्यभट्ट, नाम सुना होगा, महान गणितज्ञ, ठीक है, महान गणितज्ञ, महान खगोलविद, आर्यभट्ट भी बिहार की धरती से थे। शांतिरक्षित, शांतिरक्षित कौन है? शांतिरक्षित नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे ये, तिब्बत जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था, ये भी बिहार से ही थे, ठीक है। नेक्स्ट, अतिश दीपंकर श्रीज्ञान, विक्रमशिला के प्रसिद्ध आचार्य थे ये। नेक्स्ट, धीमन और बिटपाल, सुप्रसिद्ध मूर्तिकार था ये, दीपाल और बिटपाल सुप्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मंडन मिश्र, वेदांत दर्शन में बहुत कार्य किया इन्होंने, मंडन मिश्र ने, ठीक है, मंडन मिश्र वेदांत दर्शन पे कार्य किया, और ये मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट, मखदून सरफुद्दीन याहिया मनेरी, ये बिहार में सूफी आंदोलन से जुड़े थे, फिरदौसी सिलसिले से जुड़े थे, और इन्होंने ही बिहार में सूफी आंदोलन का प्रचार किया, ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह नूहानी, बिहार में अफगान राज्य का निर्माण करने वाला ये पर्सन है, मोहम्मद शाह नूहानी ने बिहार में अफगान राज्य का निर्माण किया, इसी के साम्राज्य में शेर शाह सूरी का उत्कर्ष हुआ,
मोहम्मद शाह नूहानी के ही संरक्षण में शेरशाह सूरी था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह नूहानी बिहार में अफगान राज्य का निर्माण शेरशाह इसी से जुड़ा था। शेरशाह सूरी सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक, ग्रांड ट्रैक रोड का निर्माण इसी ने करवाया, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नेशनल हाईवे जो आपका लाहौर से जाकर NH1+NH2 इक्वल टू ग्रांड ट्रैक रोड, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता को जो जोड़ती है NH2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मोहसिन पानी जहांगीर का समकालीन इतिहासकार था। दविस्तानी महाजिब, इसने एक बुक लिखी है, ये भी बिहार वाले क्षेत्र में ही था। दाऊद खां करारानी अंतिम अफगान शासक है, अकबर द्वारा इसको पराजित कर दिया जाता है। विद्यापति श्रृंगार रस के महामध्यकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि, ठीक है, विद्यापति, और मैथिली भाषा में इन्होंने कीर्तिलता पदावली बहुत बहुत बड़ा योगदान इनका मैथिली भाषा के विकास में। गुलाम हुसैन तबात बाई विख्यात इतिहासकार हैं। गुरु गोविंद सिंह जी पटना में इनका जन्म हुआ, पटना सिटी में, और ये गुरु सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, ये भी बिहार से ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिलायत और इनायत अली, ये दो भाई थे, बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे, पटना से थे, ठीक है, बिहार से थे, बहावी आंदोलन और बिलायत अली, तो ये इन्होंने ही इसको नेतृत्व प्रदान किया था बहावी आंदोलन को। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे, 1857 की क्रांति में पटना में इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, नाम है पीर अली, पटना सिटी में पुस्तक विक्रेता, 1857 की क्रांति में पटना में नेतृत्व। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार, 1857 की क्रांति में इन्होंने अमर सेनानी रहे, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका बेटा था, इनका भाई था अमर सिंह, कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह, उसने बाद में नेतृत्व किया। नेक्स्ट शेख बिखारी 1857 के विप्लव के शहीदों में से एक है, इनका स्मारक अभी ही मुख्यमंत्री जी द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, तो हो सकता है करंट में चीज़ें आएँ, शेख भिखारी 1857 से जुड़े हुए थे ये। नेक्स्ट मौलाना मजरूल हक खिलाफत और असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, और बाद में जो है ये भारत के फ्रीडम फाइटर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन नहीं नाम जानता, भारत का पहला राष्ट्रपति, संविधान सभा का अध्यक्ष, 1919 के रॉलेट एक्ट से लेकर भारत के स्वतंत्रता तक की लड़ाई में हमेशा जुड़े रहे, राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से ही थे। ठीक है, नेक्स्ट सर सुल्तान अहमद, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति सर सुल्तान अहमद, ये भी बिहार से थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ये भी बिहार से ही थे। ठीक है, नेक्स्ट हसन इमाम, राष्ट्रवादी नेता, कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज, ये भी बिहार से थे, हसन इमाम। अली इमाम, हसन इमाम के बड़े भाई हैं, 1930 में इन्होंने स्वदेशी लीग की स्थापना की, पटना स्वदेशी लीग की। अब्दुल बारी खिलाफत आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता। नेक्स्ट राजकुमार शुक्ल, नाम सुना होगा, कौन है राजकुमार शुक्ल, किसान नेता, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को इन्होंने ही आमंत्रित किया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, बिहार एक प्रांत था, वहाँ पर गवर्नर था, जैसे कि सेंट्रल में गवर्नर जनरल था, वैसे बिहार में गवर्नर था, तो बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न मिश्रा। नेक्स्ट मोहम्मद यूनिस बिहार के, हाँ नेक्स्ट है आपके डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, ये बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री हैं, मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री हैं। बिहार का पहले मुख्यमंत्री कौन है स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्रता उपरांत बिहार के पहले मुख्यमंत्री, क्या नाम है, ये हाल है, बिहार पीसीएस देना है, इनका नाम है श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं, पहले भारतीय मुख्यमंत्री। ठीक है, ध्यान रखिए श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट दीप नारायण सिंह, स्वतंत्र भारत में विधानसभा के पहले अहमदी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहले अध्यक्ष है स्वतंत्र भारत में, भारत में विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट ब्रजकिशोर प्रसाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता हैं ब्रजकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट अनुग्रह नारायण सिंह, यह असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट चुनचुन पांडे, क्रांतिकारी उग्रवाद के प्रमुख नेता थे चुनचुन पांडे। नेक्स्ट जगजीवन राम, नाम सुना होगा, संविधान सभा से जुड़े हुए थे, भारत के पहले श्रम मंत्री, दलित नेता थे ये, ठीक है, जगजीवन राम। नेक्स्ट डॉक्टर सैयद महमूद, स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के नेता थे, और ये बाद में संविधान सभा से भी जुड़े थे। नेक्स्ट अब्दुल कयूम अंसारी, बिहार के मुस्लिम नेता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता सेनानी है, राजनीतिक विचारक हैं। 1975 में इन्होंने क्या किया, आपातकाल के दौरान छात्र नेताओं का इन्होंने
नेतृत्व किया था। कर्पूरी ठाकुर, ऐसे नेता बड़े मुश्किल से पैदा होते हैं, कर्पूरी ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण नेता, ठीक है। समाजवादी सोच, समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे, सादगी के लिए, अपनी सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है, बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल, कर्पूरी ठाकुर, बिहार का एक बड़ा नाम। नेक्स्ट बीपी मंडल, नाम सुना होगा, ओबीसी का जो आप रिजर्वेशन आप देख रहे हो, मंडल आयोग, यही थे बीपी मंडल, बिहार से ही थे, इनके द्वारा ही, इन्होंने ही जो है पिछड़ी जाति आयोग के प्रमुख रहे हैं और इनकी रिकमेंडेशन ही थी जिनको बाद में बीपी सरकार ने लगाया। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार से थे, किसान नेता, ठीक है। नेक्स्ट सुशील कुमार का नाम सुना होगा, केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले पहले बिहारी, पहले भारतीय, वो भी बिहार से ही थे, कौन मने करोड़पति तक बिहार वालों ने नहीं छोड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट अल्बर्ट एक्का 1965 की युद्ध में शहीद हैं और परमवीर चक्र इन्हें मिला है अल्बर्ट एक्का को, ठीक है, 1965 का भारत और देखो बिहार का योगदान भारत की, ठीक है। तो 1965 के युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, इसमें परमवीर चक्र भी इनको दिया गया है। राहुल संस्कृत्यायन, प्रसिद्ध लेखक, घुमक्कड़ी आदमी, ठीक है, ये बहुत घुमक्कड़ी थे, अपनी यात्रा वृत्तांतों के लिए फेमस है। खान बहादुर खुदा बख्श खां, पांडुलिपियों के संग्रह करता है। राधा कृष्ण जलान, ऐतिहासिक अवशेषों के संग्रह करता है। सैयद हसन अस्करी, सूफी मत के विख्यात विद्वान है, इतिहासकार है। कालकिंकर दंत, कालकिंकर तत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन इन्होंने ही लिखा है, बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन कालकिंकर दास की रचना है। नेक्स्ट डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद, सुप्रसिद्ध पूर्व शास्त्री, शोधकार्य इन्होंने बहुत सारे किए हैं, लंदन में इनके शोधकार बहुत सारे प्रकाशित हुए हैं, बिहार से ही थे। नेक्स्ट कलीमुद्दीन अहमद, उर्दू भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान। नेक्स्ट काजी अब्दुल बद्दू, उर्दू भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान। नेक्स्ट साद अजीमतबादी, उर्दू साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट कलीम अजहर, बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय उर्दू कवि हैं, कलीम अजीज, पद्मश्री भी इनको मिला है। रामधारी सिंह दिनकर, नाम सुना होगा, है ना, रामधारी सिंह राष्ट्रीय कवि हैं ये, गद्य और पद्म इन्होंने राष्ट्रीय समस्याओं, राष्ट्रीय चेतनाओं को मर्म को समझा, इनकी कभी कविताएँ पढ़िए आपका दिल रो उड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा, हिंदी के मौलिन सृजनात्मक साहित्यकार। केदारनाथ मिश्र प्रभात, भोजपुरी भाषा के महान कवि। नागार्जुन का नाम सुना होगा, नागार्जुन ये भी बिहार से ही थे, आंचलिक उपन्यासकार। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका एक उपन्यास है, कभी समय मिले तो पढ़िएगा, मैला आंचल, बहुत ही आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु। पंडित सिया राम तिवारी, इनकी गणना ये बहुत सारे, ये गायक हैं, ये ध्रुपद, धुमार, ख्याल, ठुमरी, भजन बहुत सारे उनमें गाते हैं। नेक्स्ट है भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। नेक्स्ट महाराजा भूपेन्द्र नारायण सिंह, 1931 में इन्होंने ही पुनर्मिलन फिल्म बनाई थी, ठीक है, तो बिहार में सिनेमा देने का योगदान महाराजा भूपेन्द्र नारायण सिंह को ही जाता है। नेक्स्ट विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी, बिहार में व्यावसायिक सिनेमा इन्होंने शुरू किया था, फिल्म निर्माण का काम चालू किया था। नेक्स्ट अल्लामा अजीम मजहरी, उर्दू के प्रसिद्ध शायर हैं। चित्रगुप्त बम्बई में फिल्म दुनिया के सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं। रामेश्वर सिंह कश्यप, लोहा सिंह शीर्षक नाम से इन्होंने नाटक लिखा है और फिल्म निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हैं श्याम सागर, ये संगीतकार हैं। नेक्स्ट हैं लक्ष्मण शाहबादी, संगीतकार हैं भोजपुरी फिल्मों के। नेक्स्ट प्रकाश झा, अपहरण देखिए, बहुत सारी मूवी हैं प्रकाश झा की, सरकार में बहुत सारी मूवियाँ हैं, ठीक है। प्रकाश झा फिल्मकार है, राजनीति मूवी अभी बनाई थी इन्होंने, है ना, आरक्षण मूवी इन्होंने बनाई। प्रकाश झा एक फिल्मकार हैं, एक एक मूवी आई थी इनकी 1984 में जिसका नाम था हिप हिप हुर्रे, उसके बाद ये बहुत फेमस हो गए और आज ये राजनीतिक क्षेत्र की बहुत सारी मूवियाँ बना रहे। आचार्य नंद दुलारे बसु, अभी एक मूवी आई थी जिसमें एक्टर की भूमिका भी निभा रहे थे, कौन सी, सिंघम का दूसरा पार्ट आया था, गंगाजल में भी प्रकाश है, प्रकाश झा नहीं, सिंघम का दूसरा पार्ट, हाँ अच्छा गंगा जल का पार्ट टू आया है, जय गंगा जल, अच्छा उसमें है, अच्छा तो प्रकाश झा भी उसमें हीरो भी बन गए हैं। आचार्य नंदलाल बसु सुप्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। तो ये देखो ये बहुत बड़ी हस्तियाँ जो बिहार को भी इन्होंने फेमस किया और बिहार के बाद भारत को भी इन्होंने लाभान्वित किया। तो ये हो गए बिहार के प्रमुख पर्सनालिटी। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, करंट अफेयर्स, अभी बिहार में क्या चल रहा है, ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली चीज़, 25 अक्टूबर 2018 को, लोग कहते हैं बिहार में काम नहीं हो रहा, मैं दिखाता हूँ कितना काम है। 25 अक्टूबर 2018 को
राष्ट्रमंडल संघ के लिए लोक प्रशासन प्रबंधन का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक पुरस्कार है जिसका नाम है उन्नयन बाका पुरस्कार। तो उन्नयन बाका पुरस्कार जो है ये अभी बाद में चर्चा करेंगे, ये एक संस्था है, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए, जिसका नाम है लोक प्रशासन और प्रबंधन। ठीक है, ये इसको एक उन्नयन बांका पुरस्कार दिया गया। अब इसके बारे में आगे चर्चा है तो मैं बाकी बार गाऊंगा। नेक्स्ट, 18 अक्टूबर 2018 को मुजफ्फरपुर की खास पहचान शाही लीची को बौद्धिक संपदा कानून के तहत GI टैग दिया गया है। किसी क्षेत्र में यदि कोई विशेष भोज्य पदार्थ है, ठीक है, जैसे कि कलकत्ता का रसगुल्ला है ना, और जैसे कि यहाँ पे राजस्थान में है खाने का, क्या नाम है, दाल रोटी चूरमा है ना, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का कुछ है, हाँ, क्या है, निमोनिया क्या है, अच्छा यही बचा था, नीम का जो बीज होता है ना, निमोली, लोग उसे बिनते रहे तो बिकता है, काफ़ी महंगा जाता है, तो निमोली वो तब उसको GI टैग दिलाना है। हाथ हो गई, आगरा का पेठा, अच्छा आगरा का पंछी पेठा, ठीक, बरेली, चलो आगे बढ़ते हैं, पहले बिहार चलते हैं। बिहार में तय समय से पहले विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया। ठीक है, अभी बजट में देखेंगे, जो टारगेट दिया गया था उससे पहले पूरा बिहार में बिजली है। आए ना आए वो अलग बात है, लाइनें बीत चुकी हैं, आती भी है, बिहार में लगातार लाइट आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी आ रही है, बिहार में भी आ रही है। ठीक है, तो बिहार में विद्युतीकरण का कार्य तय समय से पहले पूरा किया जा चुका है। तय समय क्या था, अभी बजट में देखेंगे, बिहार का बजट भी मैंने कवर किया है। नेक्स्ट, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया। ठीक है, नेक्स्ट, 8 अक्टूबर 2018 में बिहार का ठोस अवशिष्ट प्रसंस्करण कार्यस्थल मुजफ्फरनगर में खोला गया। ठीक है, ठोस अवशिष्ट प्रसंस्करण कार्यस्थल यह मुजफ्फरनगर में खोला गया है। नेक्स्ट, बिहार ने बहुत सारी चीज़ें बैन कर दी हैं, पहले तो दारू शराबबंदी हुई थी, आपकी इसकी डेट याद कर लीजिएगा, बिहार में पूर्ण शराबबंदी गांधी जी के जन्मदिन के दिन कर दी गई, 2 अक्टूबर 2016 को बिहार में दारू बंद। ठीक है, लेकिन ये काम पहले भी हुआ था, 1 अप्रैल पहले इन्होंने किया, 1 अप्रैल 2016 को, लेकिन फिर हाई कोर्ट द्वारा थोड़ा सा रोक लगा दी गई, फिर उसके बाद 5 अप्रैल को पूर्ण रूप से लगाया गया, लेकिन जो मूक काम हुआ वो 2 अक्टूबर 2016 को हुआ। तो कभी भी यदि क्वेश्चन आता है कि बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुई, 2 अक्टूबर 2016 को ध्यान रखिएगा। इसी तर्ज में आगे बढ़ते हुए बिहार ने प्लास्टिक कैरी बैग एनवायरमेंट अप्रोच को देखते हुए, जो अभी आप प्लास्टिक पॉलीथीन की, देखो मैं भी ये चीज़ हमेशा कहता हूँ, या फिर कभी भी प्लास्टिक पॉलीथीन लो ही नहीं, यदि कोई शॉप वाला आपको प्लास्टिक पॉलीथीन में कोई चीज़ दे वापस कर दो, बोलो वो हमें प्लास्टिक पॉलीथीन चाहिए ही नहीं, हाथ में लेके सब्जी चले आओ बनेगा, लेकिन प्लास्टिक पॉलीथीन का यूज करो ही नहीं, बहुत बेकार चीज़ है, या घर से झोला लेके जाओ, और नहीं झोला लेके जाते यदि वो जो है बायोडिग्रेडेबल बैग नहीं रहता तो लो ही नहीं, उसको बिल्कुल मना कर दो भैया अपने पास रखो। लेकिन हम इतने ज़्यादा इथिकल आदमी थोड़े ना हैं, है ना, हम तो मांगते हैं पीछे पड़ जाते हैं, अरे खाली हाथ में थोड़ा ना लेके जाएंगे, पन्नी चाहिए, चाहे जैसी दो वैसी चाहिए। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 2018 को हर प्रकार के पॉलीथीन कैरी बैग को प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, सितंबर 2018 में राज्य निवेश प्रोन्नति बोर्ड ने बिहार राज्य के बांका जिले में 500 करोड़ रुपए की सौर परियोजना और पश्चिम चंपारण जिले में 148 करोड़ रुपए की जयोभार ऊर्जा परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। तो दो अभी परियोजनाएं राज्य निवेश प्रोन्नति बोर्ड है। ठीक है, इसने बांका जिला में 1500 करोड़ रुपए की सौर परियोजना, सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, बांका जिला यहाँ पर है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो कार्य किया गया पश्चिमी चंपारण में ये क्या करेंगे, 148 करोड़ रुपए की जयोभार ऊर्जा परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट, बोध गया से पटना होते हुए काठमांडू के लिए और पटना से बाया सीतामढ़ी जनकपुरी के लिए एक बस सेवा का शुभारंभ हुआ 11 सितंबर 2011 को। ठीक है, तो यदि आप बोध गया में हैं तो बोध गया से काठमांडू जा सकते हैं, बसें चलती हैं। ठीक है, और आप सीतामढ़ी पटना से बाया सीतामढ़ी जनकपुर के लिए भी आपकी बस सेवा शुरू हो चुकी है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 जुलाई 2018 को नवसृजित पाटिल पुत्र विश्वविद्यालय के औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। एक नया यूनिवर्सिटी बना है बिहार में जिसका नाम है पाटिल पुत्र विश्वविद्यालय। पहले मगध विश्वविद्यालय, अभी भी है मगध विश्वविद्यालय, लेकिन उसको काट करके आधा पाटिल पुत्र विश्वविद्यालय में बना दिया गया। ठीक है, तो एक नया विश्वविद्यालय बना है पाटिल पुत्र विश्वविद्यालय, ठीक है, 30 जुलाई 2018 को। नेक्स्ट, सितंबर 2018 में केंद्र सरकार ने 2017-18 वित्त वर्ष के लिए बिहार के जहानाबाद जिले के धनराम पंचायत को देश का सर्वश्रेष्ठ पंचायत चुना। तो जहानाबाद का धनराय पंचायत देश का सर्वश्रेष्ठ पंचायत के रूप में चुना गया, ठीक है, बिहारी का है। नेक्स्ट, बिहार के पर्यावरण और वन विभाग का एक नया नाम हो गया, जिसका नाम हो गया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। इसका नाम आगे ले वन के बाद लगा दिया गया जलवायु परिवर्तन विभाग, तो एक नया नाम, ये विभाग का नाम चेंज किया गया डिपार्टमेंट का, पर्यावरण वन विभाग का नया नाम हो गया पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। नेक्स्ट, नीतीश कुमार जी को 8 जनवरी 2018 को जम्मू कश्मीर के पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद है ना, कौन थे बिहार में, अभी तक, अब उनकी डेथ हुई है, जो महमूदा मुफ्ती हैं उनसे, ठीक है। तो ये पहला जो आपका पुरस्कार मिला है नीतीश कुमार जी को ही मिला है, पहला है। नेक्स्ट, अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये इसलिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना इसलिए खोली गई है ताकि लड़कियों को शिक्षित बनाया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके एजुकेशन पर्पस से। तो जो लड़कियां जो है 12 पास करती हैं और अच्छे नंबर से पास करती हैं उनको कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है, कितना, 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप। तो ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ही इसको किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2017 में दुनिया का पहला लिंग साहित्य महोत्सव पटना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, दरभंगा बिहार में 14 जुलाई 2018 को सुलभ जल परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत विश्व का सबसे सस्ता जल बिहार में मिलेगा, 50 पैसे में 1 लीटर पानी, ठीक है। तो एक परियोजना ये 14 जुलाई 2018 को प्रारंभ की गई, सुलभ जल परियोजना, जिसके तहत 50 पैसे में 1 लीटर का पानी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक संस्था है जिसका नाम है, एक थिंक टैंक है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर, PAC बोलते हैं इसे, इसके द्वारा भी एक लिस्ट जारी की गई, सूचकांक जारी किया, जो सूचकांक आधारित था सुशासन पर। तो अब जब सुशासन की बात आएगी तो बिहार कौन से नंबर पे होगा, अच्छा पहले नंबर पे केरल है और सबसे अंत में बिहार है, ठीक, सुशासन के मामले में सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है। नेक्स्ट, सीतामढ़ी, देखो खुले में शौच से मुक्त बहुत सारे जिले बनते चले जा रहे हैं, हर जगह पे शौचालयों का निर्माण बड़ी तेज़ी से चालू है और लोगों को प्रोत्साहित किया, दरवाज़ा बंद अभियान चल रहा है कि दरवाज़ा बंद करके ही जाओ, है ना, दरवाज़ा खुले में जाना ठीक नहीं है। तो सीतामढ़ी के बाद शेखपुरा सूबे का दूसरा ODF जिला बना, तो दो जिले अभी घोषित किए जा चुके हैं जो पूरी तरीके से खुले में शौच से मुक्त हैं, ठीक है, सीतामढ़ी और शेखपुरा, कुछ लोगों को खुले में ही मज़ा आता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, बिहार में पूर्ण शराबबंदी 2 अक्टूबर, मैंने बताया ही। नेक्स्ट, जनवरी 2018 को बीहटा पर टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई, तो जो चीज़ें बन रही हैं जहाँ पर, जैसे कि मैंने सोलर प्लांट के बारे में बताया था, सोलर प्लांट आपका बन रहा है बांका जिले में और पश्चिमी चंपारण में जयभार ऊर्जा परियोजना चल रही है और टेक्सटाइल पार्क बीहटा में बन रहा है, तो ये जितनी चीज़ें हैं एक बार दो बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 29 मई 2018 को बिहार मंत्रिमंडल ने किशनगंज में मत्स्य पालन कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी। नेक्स्ट, 20 अगस्त 2018 को बिहार में महिलाओं की सहायता हेतु इंदिरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप को अपने उसमें डाउनलोड कर लीजिए और महिलाओं से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी सीधा पुलिस थाने से कनेक्शन हो जाएगा उनका, तो महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस ऐप जान को दिया गया है। नेक्स्ट है प्रेरणा ऐप है कि बाल विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा अभी बच्चियों की उम्र नहीं हुई, शादी पहले ही करा दो, तो बाल विवाह ना हो, कम अंतराल में बच्चे पैदा ना हो, उसको लेकर के एक योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई की गई, उसका नाम है प्रेरणा योजना, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के जहानाबाद के आशीष कुमार गोगोई ने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, आशीष कुमार गोगोई, इन्होंने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा मक्का के सर्वाधिक उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस बार का कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को ही मिला है। देखो बिहार में 3 प्रमुख फसलें, पहला है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है मक्का, मक्का भी खूब होता है, इस बार पहला स्थान मिला है बिहार को। नेक्स्ट, आगे
बिहार के लड़के सावधान रहें, बिहार में आती जाती सड़कों में आप सुरक्षित नहीं हैं। लड़कों का पकड़ लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है और जबरदस्ती ब्याह करा दिया जाता है, ये बिहार पुलिस का आंकड़ा है। बिहार पुलिस ने बताया कि बिहार में पकड़ुआ विवाह हो रहा है, ठीक है। पकड़ुआ विवाह के अंतर्गत 3070 युवाओं का अपहरण कर उनकी शादी कर दी गई, समझिए। अच्छा खासा अच्छी भली जिंदगी जो है, तो विवाह के बंधन में आप, तो ये पुलिस का आंकड़ा, ये तो पुलिस का आंकड़ा है, बाकी वास्तविक आंकड़ा कितना होगा? मुजफ्फरपुर, अच्छा ये ज़्यादा होता है पकड़ुआ विवाह, तो भैया उधर ना जाना, कोई पकड़ के बांध दिया आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिहार की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट, नाम आप सब जानते हैं, अवनी चतुर्वेदी का नाम जानते हो, बिहार की नहीं थी, भावना कंठ जो थी, तीन महिलाएं थी, भावना कंठ बिहार से ही थी, तो बिहार की हैं। बिहार की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट भावना कंठ है। नेक्स्ट, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, देखो जिसका विवाह ना हो बिहार जा सकता है, कोई पकड़ुआ विवाह करवा दे आपका, बढ़िया है। नेक्स्ट, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2018 को जारी शहरी सुगमता सूचकांक 2018 में महाराष्ट्र के 3 शहर, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से कौन कौन से भारत में ऐसे शहर हैं जहाँ पे रहने लायक है? दिल्ली रहने लायक है क्या? नहीं है, 65वें स्थान पे है दिल्ली, ठीक है। तो कौन कौन से शहर हैं, यानी कि शहरी सुगमता सूचकांक 2018 में महाराष्ट्र के 3 शहर, पुणे को नंबर 1, दूसरे नंबर पे नवी मुंबई, तीसरे नंबर पे ग्रेटर मुंबई, और पटना कौन से वाले में होगा? पटना को मिला है 109वां स्थान, पटना 109वें स्थान पे, दिल्ली 65वें स्थान पे, तो दिल्ली कोई अच्छी जगह नहीं है, दिल्ली तो रहने लायक है ही नहीं, दिल्ली में दिल्ली के लोग नहीं रहते, बाहरी लोग रहते हैं। नेक्स्ट, 16 मार्च 2018 को बिहार के पहले स्टार्टअप हब का पटना में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने वैशाली में केला अनुसंधान संस्थान स्थापित किया, वैशाली में एक जगह है गोरौल में केला अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है, ताकि वहाँ के लोग केला की फसल से परिचित हो सके और उसको करें। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में भारत के पहले 1200 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का अनावरण किया। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में बिहार सार्क देशों के आँखों के डॉक्टर के द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो आँखों के डॉक्टर होते हैं बिहार में इकट्ठा होने वाले हैं, कब? 2020 में, सार्क देशों के आँखों के डॉक्टर, उसकी मेजबानी बिहार ही करेगा। नेक्स्ट, देश के 10 सबसे बड़े गंदे रेलवे स्टेशनों में दूसरा स्थान, पहले स्थान पे परेशान मत होइए, पहले स्थान में हमारा ही है कानपुर, ठीक है। तो देश के 10 सबसे गंदे रेलवे स्टेशनों में से पहला स्थान तो अपने कानपुर का है, ठीक है, फिर आपका, ठीक है, बिहार में पटना 10वें नंबर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिहार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक सिगरेट नहीं खरीदेगा, खरीदना है तो पूरी डिब्बी खरीदो, अन्यथा एक नहीं। तो बिहार में खुली सिगरेट यानी पैकेट खोलकर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला ये 12वां राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही है, पीना है तो पूरी डिब्बी, एक दो से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी खुली सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला भी बिहार 12वां राज्य बना है। नेक्स्ट, ये हो गया कुछ करंट अफेयर्स, बिहार का बजट भी देख लेते हैं जल्दी। फरवरी 2018 को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी जी ने द्वारा, ठीक है, बिहार का जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया। बजट टोटल कितने का था? बजट था टोटल बिहार का 1,76,990 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, 1,76,990 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें हर घर बिजली पहुंचाने के लिए 10,257 करोड़ रुपए, पंचायती राज के लिए 869 करोड़ रुपए, सॉरी 8,694 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बिहार में 3 निजी विश्वविद्यालय की शुरुआत की जाएगी, 3 नए सरकारी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, राज्य में सभी गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति किसान 6,000 रुपए दिए जाएंगे, बिहार में 3 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, मुख्यमंत्री हर घर नल योजना के तहत 1,225 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ दिए जाएंगे, बिहार में 40.83% घरों में शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,00,000 से अधिक लोगों को आवास दिया जाएगा, गंगा नदी पर 676 करोड़ लागत से 6 लेन का
पुल बनाया जाएगा, ठीक है। और गंडक नदी पर 663 करोड़ की लागत से पुल बनाने की बात कही गई है। बिहार में 40.83 करोड़ से घरों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। हर घर नल योजना के तहत 1225 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। राजगीर में 60 करोड़ रुपए की लागत से जू सफारी का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, बजट में बताया गया कि इस क्षेत्र में हमें पैसा लगाना, ज़्यादा पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना पे जा रहा है लोगों को ताकि घर मिल सके, स्वच्छता पे जा रहा है क्योंकि 2019 नज़दीक आ रहा है, इसलिए शौचालय निर्माण, हर घर नल योजना, बिजली पहुंचाना, ठीक है, यही सारे लक्ष्य हैं सरकार के, ठीक है। अब एक बार यहां पर ये देख लेते हैं बिहार की टोटल अर्थव्यवस्था है कैसी, बिहार की हालत क्या है। बिहार की सबसे पहले देखा जाए तो पहली बात, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, सब जानते हैं, है ना, कृषि है ही है वहाँ पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है। देखा जाए तो 6.6% क्षेत्र में वनों का विस्तार है, 6.6 क्षेत्र पे जो है वनों का विस्तार है, और 86% से अधिक क्षेत्र पर लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। 86% लोग क्षेत्र पर लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। प्रमुख खाद्य फसलें क्या क्या हैं, धान, गेहूँ, मक्का, दालें, ये प्रमुख खाद्य फसलें हैं। प्रमुख नगदी फसलें क्या हैं, गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन, और जो भी लिखना हो, मूली, गाजर, टमाटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य में धान की खेती सभी जिलों में होती है, हर जगह धान पैदा किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है, चावल के बाद गेहूँ। बेगूसराय को बिहार का मक्का घर कहा जाता है, बेगूसराय में मक्का की उपज ज़्यादा है। नेक्स्ट, बिहार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना है, 2016-17 का आंकड़ा है मेरे पास, 3.32 लाख करोड़ रुपए का टोटल जो है यहाँ का स्टेट जीडीपी है, 3.32 लाख करोड़ रुपए का स्टेट जीडीपी है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है बिहार में, 29,178 रुपए ही प्रति व्यक्ति आय है, बहुत कम आय होती है। स्टेट जीडीपी की वृद्धि दर बहुत तेज है, इस समय बहुत ग्रोथ कर रहा है क्योंकि जब कमी होगी तो बहुत तेजी दायरे से भागेगा, तो 10.3% की रफ्तार से स्टेट की जीडीपी की वृद्धि दर बढ़ रही है। बार बार बिहार के द्वारा ये मांग की जा रही है कि उसको भी विशेष राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाए। वर्तमान में 11 राज्य हैं जो विशेष राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। विशेष राज्य की श्रेणी पर सम्मिलित किए जाने का कार्य अभी तक योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, अभी दोनों संस्थाएँ ना रहीं, अब ये काम नीति आयोग कर रहा है, ठीक है। तो चूँकि अब बिहार में कुछ ऐसा सिनेरियो है और नहीं भी है, जैसे कि NDC जो करता था उसके कुछ आंकड़े, एक तो सामरिक पहले पहाड़ी राज्य होना चाहिए, दुर्गम स्थान होना चाहिए तो विशेष राज्य की श्रेणी पर उसको सम्मिलित किया जा सकता था, या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बॉर्डर जुड़ी हो जो कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, ठीक है, यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से वो राज्य बहुत संवेदनशील हो तो भी उसको हम जोड़ देते थे, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हो तो उसको हम विशेष राज्य का, या आर्थिक संसाधन बहुत ही कमजोर हो, आधारभूत संरचना ना हो, ये सारी चीज़ें हों। तो बिहार को जब इन देखा गया तो पहली बात पहाड़ी क्षेत्र है नहीं, है ना, दुर्गम क्षेत्र तो नहीं है, जो बॉर्डर है बहुत संवेदनशील बॉर्डर, नेपाल के साथ बॉर्डर साझा कर रहा है, लेकिन सामरिक दृष्टि से खुली बॉर्डर है, वो तो हमारा मित्र ही है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फ्रेंडली है, वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तीसरा जो है जनजाति बहुल क्षेत्र जो था वो झारखंड निकल गया, जनजाति बहुल क्षेत्र झारखंड का पठारी क्षेत्र हो गया, तो बिहार की इस मांग को अभी तक तो मंजूर नहीं किया गया। अब देखो बिहार के अलावा जो 11 विशेष राज्यों की श्रेणी में है, पहले तो हैं नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट, 7 बहनें सम्मिलित हैं, 7 में सिक्किम भी है, 8वां भाई भी है, तो 7 बहनें और 8 भाई, ये तो 8 हो गए। उत्तराखंड भी है विशेष राज्य, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य, हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य, तो टोटल 11 लोग हैं। अभी आंध्र प्रदेश भी पीछे पड़ा था कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, होता क्या है केंद्र इस पर ज़्यादा धन आवंटन करना प्रारंभ कर देता है। बिहार क्या है, लैंड लॉक्ड है, पहली बात तो चारों तरफ से घिरा हुआ है जमीन से, पहली बात तो लैंड लॉक्ड है। दूसरा, जर्जर आधारभूत संरचना है यहाँ पे, ना यहाँ पे ऊर्जा संसाधन है, ना सड़क परिवहन है, ना संचार व्यवस्था है, ना नागरिक और नगरीय सुरक्षा यानी कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है यहाँ पर, है ना, ना यहाँ पे शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, निरक्षरता है। नेक्स्ट, आर्थिक पिछड़ापन है यहाँ पर, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, यहाँ पर बाढ़ लगातार आती रहती है, कोसी नदी कभी बाढ़ ले गए, मानसून आ गया तो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ता रहता है, जब जिस साल मानसून कमज़ोर पड़ गया सूखा पड़ जाता है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बिहार को कमज़ोर बना के रख दिया है।
रोजगार की अनुपलब्धता, इस कारण से निवेश का अभाव है। बिहार को एक ही तरीके से समृद्ध बनाया जा सकता है। तरीका क्या है? इस पर निवेश हो जाए, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े स्तर का हो जाए। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट तभी करेगा ना जब यहाँ पर ऊर्जा आधारभूत संरचना बहुत अच्छी होगी, आधार सड़क बहुत अच्छी हो, कनेक्टिविटी। आप कहाँ रहना पसंद करते हो, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो, जहाँ आपको लगता है कि वहाँ पे? तो सबसे पहले बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की सारी चीज़ें, यदि इन सब बातों को समझेंगे तो धीरे धीरे बिहार प्रोग्रेस में आ जाएगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। चलो अभी मैं आगे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले बिहार का हमने परिचय देखा, बिहार, बिहार क्यों, कैसे, बिहार का पूरा इतिहास क्रम रहा ये देखा, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बिहार के स्वरूप को देखा हमने, क्रांतिकारी जो बिहार से जुड़े थे उनको देखा, सांस्कृतिक परिदृश्य में हमने बिहार के बारे में जानकारी ली, लोक नृत्य, लोकगीत, मेला, ये सब चीज़ें देखी। इसके बाद बिहार का जो ये वाला सेक्शन है अर्थव्यवस्था का, ये हमने देखा। इसके बाद बिहार का जो भूगोल है, नदियाँ कहाँ पे हैं, कौन कहाँ पे जिला अवस्थित है, कौन किसका भूमंडल है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखे, हर प्रमंडल और मुख्यालय देखा उसका। वन्य जीव अभ्यारण्य हमने बताए आपको सारे, प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे क्या अवस्थित है, करंट अफेयर्स बिहार का जो है वो भी आपको देखा, और प्रसिद्ध व्यक्तित्व है वो हमने देख लिया, जनगणना बिहार की देख ली, लगभग लगभग हमने बिहार के सभी सेक्शन को यहाँ पर देख लिया, चर्चा कर ली, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को बिहार का मानचित्र है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जिले जो बताए थे, पश्चिमी चंपारण बेतिया मुख्यालय है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी मुख्यालय है, सीतामढ़ी, इसका मुख्यालय सीतामढ़ी ही है, यहाँ पर आपका ये जो है मधुबनी, मधुबनी का मुख्यालय मधुबनी है, सुपौल है, सुपौल का मुख्यालय सुपौल, अररिया का अररिया, किशनगढ़ का किशनगढ़, पूर्णिया का पूर्णिया, कटिहार का कटिहार, मधेपुरा का मधेपुरा, सहरसा का सहरसा, खगड़िया का खगड़िया, भागलपुर का भागलपुर, ठीक है, यहाँ पर आपका मुंगेर, मुंगेर का मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, यहाँ पर आपका बेगूसराय, नालंदा का बिहार शरीफ मुख्यालय है, शेखुपुरा का शेखुपुरा, नवादा है यहाँ पर, यहाँ पे आपका गया प्रमंडल है, गया का गया, देखो यहाँ पे जो नौ प्रमंडल है, नौ प्रमंडलों के एक बार मैं चर्चा कर दूँ, सभी प्रमंडल आपको एक बार बता दूँ। एक है सारण प्रमंडल, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मंडल होते हैं ना, मंडलों में जिले होते हैं, वैसे यहाँ पर भी प्रमंडल है, सारण प्रमंडल है यहाँ पर, ठीक है, सारण प्रमंडल के बाद यहाँ पर है तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरनगर जो है आपका तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत है, यहाँ पर आप आएंगे इस जगह पे, ये पूरा क्षेत्र है, ये कोसी प्रमंडल, ये है दरभंगा प्रमंडल, ये है आपका यहाँ पे पटना प्रमंडल, इधर आएंगे आप जो है ये क्षेत्र है मुंगेर प्रमंडल में आता है, भागलपुर प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल है, ठीक है, इसके अलावा ये है आपका मगध प्रमंडल, मगध प्रमंडल में आपका गया आता है, मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, जैसे कि गया में यूरेनियम, लिथियम, टिन, सिली, मैग्नाइट, क्वार्टराइट, ये सब पाए जाते हैं, औरंगाबाद वाला क्षेत्र यहाँ पे कोयला पाया जाता है, रोहतास वाला क्षेत्र यहाँ पे गंधक और डोलामाइट पाया जाता है, ठीक है, इसके बाद जमुई वाला क्षेत्र यहाँ पे सोना, क्वार्टराइट पाया जाता है, मुंगेर में फायर क्ले, मैग्नीज, क्वार्टजाइट और खनिज तेल पाया जाता है, भागलपुर में सीसा, फायर क्ले और इसके बाद जो है अग्निशय मिट्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये जितने भी जैसे मोतिहारी में सोडियम लवण पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण सोडियम लवण और सोना पाया जाता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो खनिज लवण हैं लेकिन उतने नहीं हैं, झारखंड के जाने के बाद और जो जितना भी संसाधन था वो भी ख़त्म हो गया। तो ये रहा आपका पूरा बिहार, कंप्लीट बिहार, मैंने सारी चीज़ें बता दी, इसको दो से तीन बार सुनिएगा, सुनते ही आपको बिहार पता चल जाएगा। बिहार पीसीएस में बिहार से तो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन इतिहास के क्वेश्चन जो है वो सब चीज़ें मैंने जो इतिहास वगैरह पढ़ा है, इतिहास के तीन वीडियो पढ़े हैं, ठीक है, और भी जो इतने सेक्शन है, ये केवल बिहार है और कुछ नहीं, ठीक है, बिहार को जानने को लेकर के ये संबंधित जानकारी थी, हमने लगभग लगभग सारी चीज़ें देख ली, अब इसको दो से तीन बार देखेंगे तो आपको जो भी चीज़ें हैं सब समझ में आ जाएंगी, ठीक है, दो से तीन बार रिवीजन करना है, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है और कुछ नहीं, ठीक है, जितना बिहार से लगभग लगभग होगा ये फैक्ट मैंने कवर कर दिया, कुछ बचेगा नहीं, और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो डिटेल से ही हो सकती है, तो दो घंटे की इस अवधि को दो तीन बार सुनने से काफ़ी क्लियर, कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी काफ़ी कुछ, ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है पूरा परिचय, और जनगणना पूरी याद रखनी है, जनगणना और परिचय किसी भी तरीके से भूलना ही नहीं, ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक, और आप लोग जो है चैन की सांस लीजिए।